उसका स्केच तो इतना भी खास नहीं है भाई। अब जो है ना आपका एफ आर लेवल वो स्टैंडर्ड बेस है। स्टैंडर्ड बेस पता है क्या होता है, मतलब कि हम कंट्रोल अकाउंट बैंक रिकंसिलिएशन वाली बचाना बातें नहीं पड़ी, सही है, और ये बैड डेट निकालना और ये सब चीजें हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड। F3 में कितने स्टैंडर्ड पढ़ के आए हो पता है कुछ? ऊपर ऊपर से पढ़ाया था हल्के हल्के, लेकिन पढ़ाया जरूर था, कुछ याद आ रहा है? 16 और बताओ, टू और कुछ नहीं आ रहा हो तो? बिल्कुल ऊपर ऊपर से 36, नहीं 37 होता है, 37 होता है इम्पेयरमेंट उसका, प्रोविजंस का। बाकी 38 होता है इंटेंजिबल्स। फाइनेंस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फर्क पता होगा कि पहले हमें क्या पढ़ाया जा रहा था और हम क्या पढ़ने वाले हैं, सही है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में वो आपको कंपनी का मैनेजर या ऑलमोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर मानना चाहते हैं, और इसका काम क्या होता है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन। उसको हर चीज के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी चीज इनकम स्टेटमेंट में जाएगी, कौन सी चीज बैलेंस शीट में जाएगी, वो भी स्टैंडर्ड के हिसाब से, सही है। इसका मतलब है आपका जो क्लरिकल वर्क था ना वो F3 तक था भाई, समझ लें कि अंडर द मैनेजर आप काम करते थे, एंट्री बनाना, लेजर बनाना और उसका डेटा प्रोवाइड करना अपने मैनेजर को। अब आप बन गए मैनेजर, अब आपकी खुद की इतनी स्ट्रांगनेस होनी चाहिए कि आपको बहुत फायदा हो उसमें, रिपोर्टिंग अच्छी हो जाए आपकी। तो रिपोर्टिंग कौन कर सकता है पता है? जिसको सारे स्टैंडर्ड्स के बारे में ग्रिप हो वो अच्छा रिपोर्टर होता है। और पूरे FR की जो सक्सेस फैक्टर है ना, जो बच्चा मतलब आराम से FR में पास हो जाएगा, वो हर सवाल में जब इन बातों का ख्याल रखेगा तो वो ऐसे ही पास हो जाएगा, मसला ही कोई नहीं, क्योंकि वो सॉल्व सही करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले ये देखें क्वेश्चन के अंदर कौन से साल का सवाल का जवाब मांगना है। इतना चालाक है, सवाल शुरू होता है जिस साल से, उस साल का आंसर नहीं मांगा, तीसरे साल में क्या हो रहा है। सर मुझे कैसे बताएगा 3 साल? एयर पढ़ो गौर से, 2001 का सवाल है, 2003 पूछ रहा है, इसका क्या मतलब है? एक पूरी चेन चलानी पड़ेगी आपको, और चेन में जरा सी गलती हुई तो तीसरा साल गलत हो जाएगा। क्या ख्याल है? बहुत ही कम किट में सवाल है जो जिस साल का डेटा उसी साल का आंसर, तो जैकपॉट लग गया आपका, तो फिर मतलब उसने लंबा काम ही नहीं करवाया आपसे। तो एयर पढ़ना बहुत जरूरी, इसकी आदत डालेंगे हम, हर सवाल के अंदर एयर एंड जरूर पढ़ेंगे और एयर स्टार्ट पढ़ेंगे, सवाल शुरू कहाँ से हो रहा है, ताकि हमारी एक बेस बन जाए। दूसरे नंबर पे किस स्टैंडर्ड के बारे में पूछ रहा है? 24 स्टैंडर्ड्स भी है, यही आपका कोर्स है और यही हमें सीखना है। 24 स्टैंडर्ड्स पे ग्रिप करनी है, मतलब कहने का मकसद ये है। उसमें से जो आप थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं वो आपका जो है वो IS2 है इन्वेंट्री, IS16 डेप्रिसिएशन, IS38 इंटेंजिबल्स, बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ा था, लेकिन वो भी IS37 प्रोविजन, IS10 इवेंट ऑफ बैलेंस शीट डेट, और बस रेवेन्यू IFRS 15, ये पढ़ते हैं हम लोग, सही है। वो बेसिकली मकसद क्या था, जब स्टूडेंट FR में आए तो ऐसा ना हो कि वो स्टैंडर्ड से फेमिलियर ही नहीं है, बेचारा बोलेगा ये क्या हो गया, मैं कैसे इसको कंप्लीट करूँगा, तो उसने थोड़ा बहुत सिखा दिया, सही। फिर FR के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग F3 में मेन चीजें आपने पढ़ी थी चार, कंपनी अकाउंट्स, रेशोस, कैश फ्लो, कंसोलिडेशन, ये 5 लाइन है, मतलब पास फेल डिसाइड होता है F3 का, और बाकी स्टैंडर्ड्स जो भी थे उसके अंदर, यही चारों रिपीट है कॉपी, लेकिन अपना लेवल थोड़ा सा क्या कर देंगे, कहने बच्चे बड़े हो गए तो जरा और थोड़ी सी चीजें डाल दो। तो अगर पिछली बेस नहीं बनी हुई वो भी रिवाइज होगा, क्योंकि तो पढ़ाना तो शुरू से, और जो नई चीजें ऐड होंगी उसमें थोड़ा सा ऐड हो जाना, कैसा अच्छा ये नया है। अब तो उस स्टूडेंट को बड़ा फायदा होगा जिसकी बेस अच्छी है, कि भाई ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये नया पढ़ा है मैंने, तो वो FR की तैयारी नहीं कर रहा होगा, वो तो कहेगा ये याद रखना है बस, निकल गए पेपर, नया क्या पढ़ा मैंने। फिर ये बताओ कि दुनिया की कोई भी चीज हो, या तो वो इनकम स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं जा रही होगी एज एन इनकम या एज एन एक्सपेंस, तीसरा तो कुछ है नहीं उसके अंदर, या बाकी 3 जो बचे एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल, क्योंकि
बेसिकली पांच एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसपे अकाउंटिंग खड़ी हुई, तो इसके अलावा क्या पूछ लेगा हमसे, क्या समझे? कुछ नहीं है उसके बाद पूछने के। इसका मतलब है हर स्टैंडर्ड में दो चीजें होती है, एक इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस। हमें क्या पढ़ना है हर स्टैंडर्ड में? सर इस स्टैंडर्ड को पढ़ते वक्त क्या क्या इनकम स्टेटमेंट में किया था और क्या क्या बैलेंस शीट में किया था, इतना याद रखना। इसके पीछे कैलकुलेशन होगी, उसमें ऐसी बात है, बगैर कैलकुलेशन तो नहीं जाएगा ना वो वहां पर। तो एग्जाम में जाके सबसे पहले पढ़ना है रिक्वायर्ड में कि इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से सवाल मांग रहा है, आंसर मांग रहा है मुझसे, या बैलेंस शीट के हिसाब से। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन जो है ना वो स्टूडेंट वो सॉल्व कर सकता है जो जरा ट्रिकी हो, चालाक हो, तेज हो। इस सेंस में सवाल देगा, सॉल्व करना शुरू करेगा, भाई अगर वो नहीं मांग रहा था तुमने क्यों सॉल्व किया, टाइम वेस्ट हो गया तुम्हारा। इसका मतलब है रिक्वायर्ड पढ़ने से एक आइडिया हो जाएगा कि मुझे इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से आंसर ढूंढना है या मुझे बैलेंस शीट के हिसाब से आंसर ढूंढना है। लेंथीएस्ट क्वेश्चन जो है दुनिया के वो बैलेंस शीट है, क्योंकि आपको पता है अगर मैं हायर की बनाऊ पहले क्या बनता है, इनकम स्टेटमेंट, दूसरे नंबर पे चेंज इक्विटी, फिर बैलेंस शीट। इसका मतलब एक जानता है अगर बैलेंस शीट की कोई बात पूछ रहा है कितना लंबा लेके चल रहा है मुझे, कि ख्याल रखता हुआ जाऊँ इनकम स्टेटमेंट का, ख्याल रखता हुआ चेंज इक्विटी का, फिर जाके क्या मिलेगी मुझे, बैलेंस शीट। उसमें भी तीन पे फोकस होगा, एसेट लायबिलिटी कैपिटल, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब है हमें पहले जाके पेपर में देखना चाहिए कि सवाल किस जगह से पूछ रहा। कभी कभी मैं लिटरली जब स्टैंडर्ड पढ़ लेंगे ना, मैं कहूँगा ये एमसीक्यू करो कैप्लान का, पढ़ते ही 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा उसमें, ऐसा लगे नहीं होता है एफआर पढ़, बड़ा पेपर पढ़, स्किल्स का पेपर पढ़, क्योंकि आपको रूल्स याद हो। सही है, एक चीज होती है उसको कहते हैं अकाउंटिंग की फ्रेमवर्क, पढ़ा किसी ने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। एक होता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पहले बनता है, उसके अंदर क्या होता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, मतलब अकाउंटिंग की भी बाउंड्री है, जैसे लॉ की बाउंड्री होती है, ऑडिट की बाउंड्री होती है, अकाउंटिंग की भी बाउंड्री है। इसका नाम रखा है हमने फ्रेमवर्क। अकाउंटिंग अपने फ्रेमवर्क से बाहर नहीं जा सकता, और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन सब चीजों को कहते हैं। ये जो है ना पांच बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं, ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, कि आपको एसेट का पूरा कॉन्सेप्ट, लायबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट, एक्सपेंस रेवेन्यू कैपिटल, पांच तो नहीं, ये बात समझ में आई। इसका मतलब है अब हम जरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के हिसाब से डेफिनेशन पढ़ेंगे, वो बचकाना डेफिनेशन ही एक्सेप्ट होंगे। कॉन्सेप्चुअल लिखा हुआ डिफाइन एसेट एज पर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो ये बताओ आप एफआर में आ गए, एसेट को डिफाइन कैसे करेंगे? चलो ऐसी जो आप जो याद है, अभी तो टेस्टिंग नहीं हो रही जरा सी भी, पर जितना याद है वो पूछना। सर पास्ट इवेंट्स हमारे पास तो ऐसी चीज हो जिससे हमें फ्यूचर इकोनॉमी बेनिफिट्स मिलते हैं। दो बातें होंगी, पास्ट इवेंट, फ्यूचर बेनिफिट, दो बातें हैं, डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हो रही होगी। दो बाकी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में ऐसी लिखता हूं, तीन बातें होंगी सही, कंट्रोल में हो, पास इवेंट हो, फ्यूचर बेनिफिट मिल रहा हो। चलो एक बाकी डेफिनेशन में लिखी हो, और असल में कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क समझ लो लॉ, और लॉ की डेफिनेशंस को चेंज नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा मसला है। तो जो बातें लिखी हुई है ना भाई याद करनी पड़ेगी, मजबूरी है। सही है, पहले बचपन में याद करते थे, एक साल से ज्यादा हो ऐसी ना लाइफ के हिसाब से देखते थे। सही है, सेल हो रहा है नहीं हो रहा, अगर चला रहे हैं तो एसेट है, सेल कर रहे हैं तो करंट एसेट है, इस तरह वो सारे पैरामीटर बचपन में हो गए, छोड़ दो उसको। सही है, अब जरा बड़े लेवल पे आ गए, इसको सबसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है एसेट इज अ रिसोर्स। पहले तो उसको अपनी रिसोर्स माने, एसेट इज अ रिसोर्स, फिर लिखा हुआ है कंट्रोल माइन, ओन की शर्त नहीं है, एसेट के ओन की शर्त नहीं है दुनिया में, कंट्रोल की शर्त। इसकी एग्जाम्पल कैसे देते हैं, डायरेक्टर साहब को गाड़ी मिली कंपनी की तरफ से, और लीज हाँ लीज तो बेहतरीन एग्जांपल का, सही है, डायरेक्टर साहब को गाड़ी मिली, गाड़ी किसकी है, डायरेक्टर साहब की नहीं कंपनी की, उनसे एक्सीडेंट हो गया, बताओ केस किस पे हो, कंपनी काम कर, सोचो खुद मुझे नहीं बताओ लॉजिकली, हाँ सोचो,
देखो गाड़ी चला कौन कंट्रोल आप समझ पा रहे थोड़ा कंट्रोल किसके पास था मालिक कौन था मालिक कंपनी लेकिन कंट्रोल किसके पास था तो केस किस पे होगा यस समझ में आई बात अगर वो ये होता काश ये होता कि डेफिनेशन में होता एसेट इज अ रिसोर्स ओन बाय एन एंड काश ऐसा होता मैं एक्सीडेंट करके यूं भाग जाता वो गाड़ी की इन्वेस्टिगेशन के लिए आते और कहते हैं तो फला कंपनी ने लीज करवाई हुई है या फला कंपनी की गाड़ी है चलो तो भाई कंपनी के लोगों को पकड़ लो अब सवाल हुआ किसको पकड़ें किस पे क्लेम करें किस पे केस करें नहीं कौन वहां मौजूद था एक्सीडेंट किससे हुआ इसीलिए तो कहा जाता है अगर बाइक चोरी हो जाए फौरन FIR कटवाओ क्यों रीजन बताओ यस कंट्रोल जैसी हाथ से गया FIR कटवाओ और क्या बोलो आई सरेंडर मेरी गाड़ी नहीं है जब मिल जाएगी फिर मेरी हो जाएगी अभी मेरी नहीं अब अगर उस पर कोई कन्वेक्टिव एक्टिविटी होती है क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो मैं FIR की बेस पे क्या हो जाऊं मैं बच जाऊं तो सही है नहीं गलत है बिल्कुल सही है सही रूल बनाए मतलब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में लॉजिक के हिसाब से सही बना हुआ है और वैसे भी अगर हम रेंट अ कार लेते हैं तो रेंट अ कार में मालिक तो नहीं होते ना तो रेंट अ कार से मैंने एक्सीडेंट किया मुझे एक टास्क मिला था मार दो मैंने कहा अपनी गाड़ी से क्यों मारूं रेंट अ कार सही है मार के मैं गाड़ी छोड़ के भाग गया अब उसूलन कौन फंसेगा उसूलन तो वही फंसेगा ना इसीलिए रेंट अ कार में NIC रखवाई जाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट रखवाए जाते हैं भाई पता नहीं क्या करोगे तो अपने NIC रखवा दो गाड़ी ले जाओ ताकि कल को तुम ऐसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करो पकड़ लें तुम और कंपनी डिसओन कर दे भाई मेरी गलती थोड़ी है इसको इसको इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म बहुत यूज होता है अकाउंटिंग में सब्सटेंस ओवर फॉर्म फॉर्म की अकाउंटिंग में कोई हैसियत नहीं मालिक ओनर सब्सटेंस की हैसियत और एक ही वक्त में सब्सटेंस और फॉर्म दोनों एक जैसे हो सकता है अलाउड है मतलब मेरी गाड़ी मैं चला रहा हूँ ऑनर भी मैं चला भी मैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म में ऑनर भी आ गया सब्सटेंस भी आ गया लेकिन ये हर दफा नहीं होगा सही है इसीलिए इसका बड़ा ख्याल रखना होगा इसी तरह से पांचवा डेफिनेशन है चैप्टर नंबर 2 BBB के अंदर साफ लिखी मैं बुलेट में ऐसे याद करनी पड़ी याद नहीं करो कॉन्सेप्ट में रखो बस चार बातें कितनी आसान है रिसोर्स कंट्रोल पासिव एंड फ्यूचर बेनिफिट बस याद हो गया अब रट्टे लाने की होती नहीं ऐसी पांचों की डेफिनेशन याद होनी चाहिए इसी तरह से कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये पूरा कोर्स है हमारा FR का सबसे पहले हम पूरी स्टैंडर्ड्स पे जब ग्रिप कर लेंगे तो हम सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे उसके बाद कुछ दिनों के बाद चेन इक्विटी भी सीख लेंगे क्योंकि ये बहुत हल्की है FR के अंदर ना 3 नंबर या 5 नंबर की आती है पॉसिबल इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट फेवरेट क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट देखो अकाउंटेंट को बनाने नहीं देंगे हम मैनेजर को बनाने देंगे मैनेजर हो गया असिस्टेंट हो गया डायरेक्टर वो बनाएगा ये आम बंदे तो सिर्फ डबल एंट्री बनाएंगे तो पहले तो ये तीनों सीखनी है और फिर जब ये तीनों में परफेक्ट हो जाएंगे हम किसमें इनकम स्टेटमेंट चेन इक्विटी और बैलेंस शीट तो हम क्या सिखाएंगे फिर आपको कैश फ्लो कैश फ्लो कंपनी का मतलब सबसे आगे उसकी क्या वजह होती है और ये जिस सीक्वेंस में बना हुआ ना ऐसी ऐसी होता है हमेशा ऐसी होता है ऐसी ही पढ़ाई करनी है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बताता है जब सारे अकाउंट्स ऑडिट हो जाए कोई गलती ना हो उसमें तो फिर ये बताना होता है कैश लास्ट ईयर में कितना था और आज कितना है उसका फ्लो फ्लो दुनिया में दो तरह के प्लस और माइनस तीसरा कोई फ्लो नहीं है न्यूट्रल हो जाएगा बॉस सर कोई भी कैश में चेंज नहीं है मैंने कंपनी क्या कर दी भाई फिर साल के शुरू में वही पैसा साल के आखिर में बड़ी बात है सही है तो कैश फ्लो बनाना सीखें ये सब भी कोर्स में सही है नोट्स टू द अकाउंट्स कोर्स में नहीं है फिलहाल SBR में पढ़ा नोट्स क्या होता है अब आप डायरेक्टर बन गए अब आपको मैनेजर ने रिपोर्ट बना के दी जो कि 4 पेज पे खत्म होगी अच्छी सी इनकम स्टेटमेंट पैरेलल 2 साल की चेन इक्विटी 2 साल की फिर बैलेंस शीट 2 साल की फिर कैश फ्लो 2 साल का ये बना के आपको दे दी डायरेक्टर अब आप लिख रहे हैं उस पर रिपोर्ट आप हैं 20 साल के एक्सपीरियंस्ड अब आपको नोट्स लिखने में सारे स्टैंडर्ड की नॉलेज सब चाहिए आपको अब आप लिखेंगे उस पर 50 से 60 पेज और जब ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो बनेगी एनुअल रिपोर्ट
फिर ये मार्केट में फ्लोट होगा। इसका मतलब है हर किसी से हम रिपोर्ट नहीं लिखवाते, एक्सपर्ट रिपोर्ट लिखता ताकि कल को की फंसे तो डायरेक्टर से बात करें, सर हमने थोड़ी बनाई, हमने तो अकाउंट मेंटेन किए थे, डायरेक्टर ने स्टैम्प लगाया हाँ भाई सही बने हुए। अब वो उस पर लिखेगा रिपोर्ट और उसमें एक एक बार बताएगा ये एसेट फलाएं स्टैंडर्ड से हो गया है, इसकी ये क्वालिटीज होती है। आपका SBR का 70% पेपर रिटन है, उसमें हर स्टैंडर्ड के अंदर लिखना होगा। उसके लिए उन्होंने FR में क्या किया, 20 नंबर का एक सवाल डाला है, 3-4 साल हो गए यानी कि 12-20-25 अटेम्प्ट होंगे रेशो एनालिसिस। वो कहते हैं स्टूडेंट से रेशो निकलवाओ और फिर उसको बोलो रिपोर्ट लिखो, उस पर देखते हैं तुम्हारी नॉलेज कैसी है, तुम कितना अच्छा इंटरप्रीट करते हो उसको, कितना अच्छा लिखते हो उसके अंदर, सही है। तो इससे आपकी एक्सपर्ट नॉलेज बढ़ेगी। जब आपको ये करना आ जाएगा ना तो आपको इसका एक फायदा F5 में होगा, वहाँ 3 सवाल आते हैं लिखने वाले, सही। अच्छा ये फर्स्ट है FR का पेपर, ये पेपर दे चुके किसी ने पेपर दिया FR स्किल्स का पहला पेपर है ये, F4 दिया हुआ है ना, तो F4 तो ऑन डिमांड CV के हिसाब से उसको हम काउंट ही नहीं करते, स्किल्स को हम दिखाते हैं 5, सही है। तो ये पहला पेपर है इसका। देखो ACCA की अंदर की बात ये है कि पहले FR देना चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्योंकि उसका पासिंग रेशो हमारा तो बहुत ही अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, मार्केट का भी 45-50 पे चलता है, हमारा 80-90 पे चलता है हमेशा ही हर साल। और इसके बाद बच्चा F6 को, उससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्योंकि F6 उसने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा, जब टैक्स उसने पढ़ा ही नहीं कभी, तो उसके लिए टैक्स एक नया सब्जेक्ट है, उसको अच्छा लगता है, मज़ा आता है, रूल्स बहुत सारे हैं थोड़ा सा, लेकिन पास हो सकता है, सही। फिर वो F5 दे, जब आप स्किल्स के दो पेपर के कॉन्फिडेंस के साथ F5 में जाते हैं तो उसका आपका लेवल अलग होता है। दो दफ़ा CV दे दिए, दो दफ़ा जाके पेपर में बैठ गए, बिल्कुल उसकी हाइप आपकी निकल गई। स्टूडेंट ने मिस्टेक्स क्या करते हैं, जो लास्ट ईयर्स में क्या हो रहा है, वो F2 पढ़ने के बाद F5 उठा, दो तार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सही बात है। लेकिन सर बताओ क्या है, F2 ये है और F5 ये, यूं गिर जाता, इतनी बड़ी चढ़ाव, ये क्या हो रहा है भाई। तो ACCA के खुद के अल्फाज हैं, हमारी हायरकी में F5 पहले है, लेकिन काइंडली बच्चे को समझाएं इसमें जम ना करे, एक अच्छा पेपर है, बेहतरीन पेपर है, जबरदस्त। तो पहले FR को पढ़ के आए, FR में सारे के सारे प्रिंसिपल्स और ड्यूल्स होंगे, अगर एक दिन समझ में नहीं आया अगले दिन फिर समझा दें बच्चे को, 3 दिन फिर समझा दें, याद कर ले। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की सबसे अच्छी बात, आज याद करेंगे जब तक दुनिया के स्टैंडर्ड में कोई चेंज नहीं आया, सही है, बाल तो सफेद हो जाएंगे, रूल चेंज नहीं होगा, बल्कि सब बोलेंगे कि वाह क्या एक्सपीरियंस बनता है, मैंने कहा क्या कर रहा हूँ इतने साल से, बोर हो गए हम तो, पता है ये यहाँ जाएगा, वो एसेट बनेगा, वो एक्सपेंस बनेगा, वो लाइबिलिटी बनेगा, वो कैपिटल, पता बोर हो जाता। रिपोर्टिंग में कभी कभी आगे के लेवल पे ना बोरिंगनेस आती है, सिर्फ अच्छा। फिर कंपनी के जब हम डायरेक्टर बनते हैं तो फिर जीरो बढ़ते हैं, बड़ी कंपनी में जाएंगे ना तो मिलियन और ट्रिलियन संभाल रहे होंगे और काम सारा क्या होगा, बिल्कुल वही कॉपी। इसीलिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना वो अपनी सीट से बुरा होकर निकलता है, क्योंकि कुछ नया करे तो टेंशन हो ना घर पे। हाँ ये बात है, सैलरी गाड़ी प्रिविलेज बेहतरीन, ये सही अच्छी बात होती है। मैनेजमेंट का पेपर डिसीजन मेकिंग का पेपर एक तरह से, सोचो क्या हो सकता है, कॉस्ट कटिंग कैसे होगी, सोचिए F5 कॉस्ट कैसे कट होगी, F9 डिसीजन लो कि फला प्रोजेक्ट उठाना है नहीं उठाना है, फला बिजनेस करना है नहीं करना है, करेंगे तो लॉस होगा गेन होगा, लॉस होगा तो कितना होगा भाई। आज बैठ के सोच रहे हैं फ्यूचर फोरकास्ट, गलती हो सकती है, क्या कर रहे हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की गलती क्या होती है, मैंने 50 दफा कहा यह एसेट है फिर भी लाइबिलिटी लिख के आ गया, तो एग्जामिनर बोलेगा ये क्या पढ़ के आया पता नहीं, इसको टीचर ने समझाया होगा, देखो बेटा ये करंट एसेट होता है, ये नॉन करंट होता है, ये लाइबिलिटी होती है, उसको ये भी याद नहीं होता। तो ये पेपर हार्ड नहीं है, हर स्टैंडर्ड के कुछ रूल्स हैं। आप मुझसे 50 दफा पूछें सर ये यहाँ क्यों जा रहा है, मैं आपको सिर्फ उसमें क्या क्लियर करूंगा पता है, क्योंकि बेटा वो लाइबिलिटी है। सर लाइबिलिटी क्यों है आप बताओ, ये किस साइड पे जा रहा है, नेचर क्या बन रही है, पूरा क्लियर करूंगा। वंस यू गॉट द लॉजिक, बस रट्टा हो गया, फ्रेम हो गया उसके अंदर, ऐसे आप मुझसे पूछते रहो, तैयारी होती रहेगी और फिर हम साथ साथ किट करते रहते आ जाते होंगे। कॉन्सेप्ट रियल अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन करा फॉरन किट पे ले गया, फ्रेश फ्रेश माइंड से किट करके ऐसे ही कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है,
कि मैं एफआर की किट कर रहा हूँ लाइव, उसके बाद जाके घर पे जब भी पढ़ोगे ना, वो पहली दफा किट सॉल्व नहीं कराएगी, वो दूसरी दफा कराएगी, बड़ा फायदा होता है उससे भी। अच्छा, और कोई सवाल अभी तक जहन में, कोई क्वेश्चन जहन में तो पूछो। देखो कोई ना कोई क्वेश्चन होना चाहिए, फिर तो सितंबर में चेंजेस आती हैं एफआर के पेपर, अप्रैल में चेंजेस आती हैं टैक्स के पेपर, सही है? तो सितंबर में तो हम बैठेंगे ना शायद, तो अगले अटेम्प्ट वालों के लिए चेंजेस आएंगे, सही है? जो दिसंबर में बैठेंगे ना, तो सितंबर में हमें मेल आ जाएगी इसी से वालों की कि ये चेंजेस आई हैं एफआर, हम उसको नोट कर लेंगे कि क्या चेंज आई। लास्ट टाइम आई थी सितंबर 22, उन्होंने कुछ मॉडल चेंज किए थे, एफआर 5 फिटिंग में चेंजेस आई थी और कुछ नामों में चेंजेस आते हैं। देखो एग्जाम फीस को तो डिस्कस कर रहे, मजबूरी में हमने जल्दी से बुक करा लो क्योंकि हम महंगा करते, तो मैंने कहा देखो सर वैसे ही पौंड महंगा हो रहा है और आप उसको महंगा कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आई बात। पर आप एनजीओ कैसे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट सर एनजीओ लोगों की भलाई के लिए बनते हैं, और आप जिंदगी भर हमसे एनुअल सब्सक्रिप्शन भी खाओगे, अभी पास होने के बाद भी खाओगे, पता ना? पहले ACCA की खाओगे, फिर FCCA की खाओगे, 55 साल तक खाएंगे ये आप। तो ये एनजीओ कौन सा, हमने तो उनको थक गए बोल बोल के मिल करके, सर PKR करेंसी में फिक्स करा 40,000 करा, बस 35,000 करा दो, ताकि सारे क्लास में जब बच्चे बैठे हो ना पेपर की फीस देके तो एक जैसे बैठे। अभी इतना अजीब सर, तुमने कितने वो कराया, तुमने भी कितने वो कराया है, इसका मतलब एक ही पेपर में एक बड़ा डिसहार्ट होके बैठा हुआ, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, उसने थोड़ा लेट जमा कराया, उसका पेपर उसको पड़ गया 45,000 रुपए। एक आके हंस रहा, देखो मेरे तो 38 का पड़ा था। एक ही स्टूडेंट एक ही पेपर देने जा रहा है और दो अलग अलग रेट्स के, तो सही बात नहीं। उनका स्टेटमेंट बार बार ये आता है कि ये इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन दुनिया भर में एक्सेप्टेबल है, तो हम अगर आपके लिए चेंजेस करेंगे ना तो फिर हमें इंटरनेशनली करनी पड़ेगी। मतलब इन्होंने कहा खूबसूरत काम किया, अभी ओ लेवल्स का पेपर कैंसिल हुआ तो लिए ही नहीं, लिए ही नहीं, एवरेज भाई कोई होगी दोस्ती वोस्ती, हम भी तो यही कह रहे हैं भाई। वो कह रहे हैं आपके फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भी आपके लोग फीस दे रहे हैं, इसका मतलब है आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आपके पास बहुत पैसा, आपके मिनिस्टर्स आते हैं खाते हैं चले जाते हैं फिर पलट के देखते हैं, फिर पैसा पैसे ही पैसा, 75 साल से आपको खाए जा रहे हैं ये लोग, और इन्होंने अपनी ऐसे ऐसे बिजनेस और प्रॉपर्टीज बना ली है, फिर भी इनके पास नहीं समझ में आ रहा सर, नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब आप लोग कोई गरीब नहीं है, ACCA में आने गए आप तो गरीब कहाँ से हो, सोच समझ के आए होंगे ना। लेकिन उनको समझाना चाहिए कि सर अब पहले के जबान की बात होती है, अब अफोर्डेबिलिटी का मसला है, ये तो मानना पड़ेगा उनको, सही, लेकिन कोई स्टेप नहीं ले रहे हो, बल्कि जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट है वो भी खत्म कर दिए, कहते हैं एक ही फीस होगी, बस पहले जमा कराओ या बाद में जमा कराओ, फीस एक ही होगी, पहले दो होती थी। अच्छा, पेपर स्ट्रक्चर 3 सेक्शन होंगे ABC, इसमें 15 MCQs आएंगे, 30 नंबर मिलेंगे, 2 मार्क्स इंच, और फिर OTQs आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसके अंदर क्या होता है, सिनेरियो होता है, सिनेरियो से मतलब है कोई अच्छा बड़ा स्टैंडर्ड उठाएगा उसको ना खींच देगा थोड़ा, तो उसमें से 5 आंसर निकल रहे, 4 आंसर निकल रहे, तो उसको कहते हैं हम लोग OTQs, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कम आते हैं इतने एक्सचेंज। देखो अगर लिखा होता है फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, तो डेटा एक ही है, आंसर 3 निकल रहे हैं उसमें से, वो समझ लो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं। वो MCQs की एक अच्छी ब्रॉड टर्म है। ACCA की कॉन्वोकेशन में हमेशा उन्होंने हमें क्या बताया, स्टूडेंट को समझाएं OTQ और MCQ में सिर्फ हेडिंग काम आती है, उसको बोले कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हुए, वो समझ लें 60 नंबर के MCQs आ रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई रिटन नहीं है, OTQ में रिटन नहीं होता, रफ पेज पर सॉल्व करके टिक लगाना। लेकिन क्या होता है, बस उसमें सिनेरियो होता है, MCQs में सिनेरियो बना नहीं सकते, 2 मिनट के सवाल में क्या सिनेरियो बनाएं,
सही है। अच्छा फिर जब उसका बस नहीं चलता तो तीन ओटीक्यूज आते हैं 10-10 नंबर के, 30 नंबर ये हो गए, वो चार पांच छोटे स्टैंडर्ड उठाएगा, ऊपर लिखेगा एबीसी कंपनी हैज द फॉलोइंग, एबीसी कंपनी हैज द फॉलोइंग इश्यूज, एबीसी कंपनी हैज द फॉलोइंग इश्यूज, एक इन्वेंटरी का इशू डाल दिया, एक टैक्स का इशू डाल दिया छोटा सा तीन लाइन का, एक करेंसी का इशू डाल दिया, ऐसे करके पांच नंबर का सवाल बना दिया, 10 नंबर का सवाल बना दिया। तो इसमें हम चाहते हैं कि ऐसा सवाल बनाए जो ना अलग अलग स्टैंडर्ड से थोड़ा थोड़ा पूछा, उसमें वो 13 सवाल नहीं बना दूंगा, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं ऐसे मैं बताऊंगा आपको। अब इसको नोट मैं पढ़ाते वाते नोट करवा देता हूँ, देखो ये ओटीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फेवरेट है उसका, तो जरा इसको जरा ख्याल से करना, क्योंकि उस क्वेश्चन में ऐसी डेप्थ होती है कि उसका एक सवाल जो है ना आधा घंटा ले लेता सॉल्व कर, एक सवाल वो क्या क्या बना के जाता है, जाते जाते इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट एनिक्विटी हर जगह इफेक्ट डालता है एक ही सवाल, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टैंडर्ड ऐसे होते हैं जो इनकम स्टेटमेंट में ही घूमते रहते हैं, कभी बैलेंस शीट में गए ही नहीं, सही है। और अगर वो बैलेंस शीट में जा रहा है तो उसकी रीजन होगी लायबिलिटी बन के जा रहे हो या एसेट बन के जा रहे हो जो भी एक्सेल। तो इस इन 60 मार्क्स के क्वेश्चन में पहले फोकस करना होगा, और इसके बाद आपके आते हैं दो CRQs कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, ये अब आपको बाकायदा टाइप करने होंगे, पूरा क्वेश्चन भी टाइप करना, सॉल्यूशन भी टाइप करना, वर्किंग भी टाइप करना, इट टेक्स टाइम, सही है। हम कुछ स्टैंडर्ड्स पढ़ने के बाद कंप्यूटर लैब में क्लासेस रखेंगे, उसमें पोर्टल के ऊपर जो आपका पोर्टल होता है ना MyCCA, उसमें आपके पास ऑप्शन होता है प्रैक्टिस करने, हम यहाँ पे उसको खोलेंगे ACCA ग्लोबल पे, उनके पास प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है जगह, वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, उनका अपने सॉफ्टवेयर मतलब उनका जो एक्सेल है उसमें है लिमिटेड फीचर्स, हम लोग अपने एक्सेल पे प्रैक्टिस करके हो जाते हैं आदत खराब, कट पेज ये वो फॉर्मूले लगा रहे हैं यूँ कर लिया, पेपर में शक्ल देख रहे हैं ये कैसे होगा वो कैसे होगा, टाइम बर्बाद हो गया सारा उसमें। तो क्लास में हम करेंगे इसी सॉफ्टवेयर पर, आप भी घर पे जाके टाइम निकाल के उसी पे करेंगे, वो अलग बात है वो सेव नहीं होता, आप MyCCA पे करोगे ना सेव हो जाएगा, अगर इनके पोर्टल पे जाके करोगे वेबसाइट पे जाके तो वो सेव नहीं होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, उसका भी तरीका हमारे पास, स्नैपशॉट लो वर्ड पे पेस्ट करो चलो सेव कर लो उसको। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स में तीन में से दो सवाल दे, कंपनी अकाउंट्स रेशियो कंसोलिडेशन डिसाइडेड है, पहले था रेशियो, एक साल हो गया रेशियो को कैंसिल किया, सॉरी कैश फ्लो को कैंसिल कर देना, क्योंकि स्टूडेंट इतना एक्सपर्ट होता है कैश फ्लो में, घुमा पर आके ले ही आता है, तो उन्होंने कहा दो ही नहीं, अब वो उसको पूछ रहे हैं 10 नंबर में, यानी कि OTQs या MCQs, वेटेज नहीं खाता उसका, कंपनी अकाउंट के सवाल में 5 नंबर का जोड़ देता है, कि ऐसा ना हो बच्चे समझे कैश फ्लो इज नॉट द पार्ट ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं है, कैश फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन क्या है ऑडिटेड अकाउंट्स के बाद बनता है तो रट्टा बहुत खत्म हो गया। इवन कंसोलिडेशन को मैं साफ कहता हूँ, अब एक दिन 5-6 दफा प्रैक्टिस करो आप बोलोगे बोर हो गया सर, एक ही काम बार बार किए जा रहे हैं, सही है। रेशो में मजा आएगा बहुत जबरदस्त, हर बार नया सिनेरियो उसमें अच्छा लगता है, मजा आता है। रेशो हम उस वक्त करेंगे जब हमारे सारे स्टैंडर्ड्स पे ग्रिप है, क्योंकि रेशो में वो कहीं भी निकल जाता है। रेशो का सवाल एग्जामिनर फेवरेट है, 3 साल से मतलब 12 अटेम्प्ट से ये सवाल ड्रॉप नहीं होता, मैंने क्या कहा था तीन की चॉइस है ना, तीन में से दो देता है तो एक तो रेशो रख दो, बचे दो कंसोलिडेशन और कंपनी। कंसोलिडेशन को वो जानबूझ के 1 साल से रेशो में डाल, आधा कंसोलिडेशन आधा रेशो, कह रहे वेटेज पूरा हो गया, मैंने कहा अच्छा अब बाकी कंपनी का सवाल दूंगा। अब हमारा क्या कंक्लूजन बन गया, कंपनी का क्वेश्चन रेशो का सवाल, उसमें कुछ कौन सा पार्ट कंसोलिडेशन, आप सबका जैकपॉट लग जाएगा अगर उसने कंपनी और कंसोलिडेशन, उस साल तो लड़ाई हो जाएगी, ऐसे मार्क्स आएंगे बच्चों की सोच आप, क्योंकि उसमें मार्क्स कटने की गुंजाइश ही नहीं, बहुत कम कटते हैं, जो पढ़ता नहीं ना बिल्कुल भी जीरो है उसके भी 20 में से 10 पक्के हैं, जो कुछ नहीं पढ़ता, क्योंकि मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा कंपनी अकाउंट्स और कंसोलिडेशन में, जो सिर्फ क्या करना है उठाई और रख दीजिए और 10 नंबर आऊंगे, तो पेपर पास करने में भी बड़ी बात ही नहीं, पेपर में स्टैंडर्ड्स पे ग्रिप करके जाओ, क्योंकि कंपनी में जाना है हमसे FR पास करने नहीं आया दुनिया में, कंपनी में जाके अगर सिर्फ शॉर्टकट खेलोगे ना बोलेगे क्या पढ़ गया है, तो सर आज सवाल पूरे डिटेल में चलेंगे थोड़े लेंदी होंगे, लेकिन जब आप उसके किट करोगे बोलोगे सर इतना लंबा क्यों पढ़ाते हैं,
मैंने कहा कंपनी के हिसाब से पढ़ाते हैं भाई, लेकिन आता नहीं है कंपनी के हिसाब, ये बात है सही, छोटा ही आता है सवाल। तो कंक्लूजन क्या निकला, 60 नंबर के एमसीक्यूज, 40 मार्क्स के कंसेप्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस, और उसमें 3 घंटे का पेपर, और कोशिश करनी 1 घंटे में एमसीक्यूज को निपटा दें, क्योंकि वो टाइपिंग में आपको टाइम लगेगा। सही, अगर आप उसको 45 मिनट्स में करते तो आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट, जीनियस स्टूडेंट है, 45 मिनट्स में अगर हो जाते दोनों सवाल, क्योंकि इसमें आधे घंटा सेव होता है, आधे घंटे में अभी चेकिंग करें, एमसीक्यूज करें, जो भी करें आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप 1 घंटा लेते हैं कंस्ट्रक्टिव के अंदर, फिर आपके पास कोई रीचेकिंग का टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि 2 घंटे तो वहाँ निकल गए, 1 घंटा एमसीक्यू में तो बचा क्या। तो हम क्लास में ये प्रैक्टिस करेंगे, टाइम स्टिप्यूलेट करके प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं, कि मैं सवाल दे रहा हूँ 45 मिनट्स में देखो कहाँ तक पहुँचे। घर पे भी ऐसी होता है, 45 मिनट में देखो कहाँ तक पहुँचे, जो बन गया हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, जाके चेक करो मार्क्स ग्रेड, मार्क्स ग्रेड में देखो कितना अचीव कर लिया। अगर उस 45 मिनट्स में तुमने 70-80-90% कर लिया, इसका मतलब हल्की सी पॉलिशिंग चाहिए, मैं इतनी नहीं जाऊंगा। सही है, और कोई सवाल किसी के ध्यान में फिलहाल? अब देखो FR के पेपर से एग्जामिनर की ये रिक्वायरमेंट है कि वो चाहते हैं स्टूडेंट जब SBR में आए ना, ये सारे स्किल्स हो उसके अंदर FR पढ़ने के बाद। नंबर वन, उसको कॉन्सेप्चुअल रेगुलेटरी के बारे में बताओ कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में क्या क्या यूज होता है और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में क्या होता है। अच्छा देखो, दुनिया के अंदर ना टसल है गैप और IAS में, ये ब्रिटिशर्स और अमेरिकन की टसल है दुनिया में, ये दोनों अपने आप को जॉइंट समझते हैं। सही है, इसीलिए अपनी अकाउंटिंग में भी ना ठीक ठाक टसल करते हैं। तो US के अंदर होती है गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटेंट प्रिंसिपल्स, और UK में होता है IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लीफो पता है लीफो? गैप में है, IAS में नहीं। US वाले कहते हैं, ये कहते नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर इस तरह लड़ते रहे ना तो कभी भी हम मल्टीनेशनल कंपनी इंटरनेशनल कंपनी बनी नहीं पाएंगे। आप हमारे मुल्क में आओगे बोलोगे नहीं ये रूल नहीं चलेंगे, तो हम क्या करेंगे भाई। इन्होंने इस मसले को हल करने के लिए 2003 एक बोर्ड बनाया, उसका नाम रखा IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये बोर्ड बनते ही क्या हुआ, इन्होंने तमाम स्टैंडर्ड्स को अलाइन करना शुरू कर, सही है, और अलाइन करने के बाद नया नाम क्या रखा, IFRS। अब दुनिया में जितने भी नए स्टैंडर्ड बनते हैं, 2023 में हम स्टैंड कर रहे हैं, 17 नए IFRS बन चुके, और इनकी क्वालिटी क्या है, सारी दुनिया में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब ACCA वाले बहुत अच्छे और चालाक लोग हैं। इन्होंने आपको पाकिस्तान में बैठ के वो स्टैंडर्ड पढ़ा दिए जो दुनिया भर में क्या होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड। अब वो यहाँ से आपको तैयार करेंगे और कहेंगे UK में अप्लाई करो, US में अप्लाई करो, और जाके वहां पे जॉब करो, क्योंकि हमने तुम्हें कौन सी अकाउंटिंग सिखाई है, UK US वाली, तुम्हारे मुल्क की अकाउंटिंग तुमने खुद नहीं सीखी, हम क्या करें, हमने रूल्स बना के तुम्हें सिखा दी। इसका मतलब है प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाला बना दिया तुम्हें, अब आओ हमारे मुल्क में प्रिंसिपल फॉलो करो। यहाँ के जितने भी क्वालिफाइड हैं वो फ्रीलांसिंग में जाते हैं, क्यों, अगर जॉब ना मिले फ्रीलांसिंग वाला जबरदस्त, पाकिस्तान वाला 2nd नंबर पे दुनिया फ्रीलांसिंग दुनिया में, क्योंकि जॉबलेस कितने घूम रहे हैं, पढ़े लिखे हो। तो उन्होंने क्या किया, फ्रीलांसिंग साइट पे जाओ, रजिस्टर करा लो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, वहां से कॉन्ट्रैक्ट मिलने शुरू होंगे UK US। वो आपको कॉन्ट्रैक्ट क्यों देते हैं, कहते हैं हमारी अकाउंटिंग यहाँ बैठ के मेंटेन कर रहा है बड़ी बात है भाई, क्योंकि सर पढ़ाई हुई है मैंने, वो उनके मुल्क में मेंटेन हो रही है $2,500 में पर मंथ, और मैंने क्या कहा, मुझे 500 दे दो सर, ऐसा मेंटेन करूंगा सोच आपकी। और ऐसे मैंने 4 क्लाइंट पकड़ लिए यहाँ बैठे, और एक टीम बना ली, वो अलग बात है, वो काम शुरू रात के 10 बजे होगा, उनके बाद दिन होता है, और सुबह 6-7 बजे वो वाइंड अप हो जाए, लेकिन $2,000 पाकिस्तान में बैठे बैठे टीम बना के काम करना। और ये मैं बहुत हल्का बता रहा हूँ, सही है, इसका मतलब है वहां के रूल्स यहाँ बैठ के फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब पढ़ाई इसने अच्छी की है, और जैसे जैसे अब आगे जाएंगे ना परमानेंट बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू कर, फिर क्या चाहिए, जाने की जरूरत ही नहीं होगी उसमें। तो इनका फायदा कैसे हुआ, इन्होंने हमें अपनी पढ़ाई पढ़ाई, तो स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 26 है, लास्ट चैप्टर BBB का, उसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा है हार्मोनाइजेशन, मतलब इक्वालिटी। जब से इन्होंने स्टैंडर्ड, हमने स्टैंडर्ड फॉलो करना शुरू किए,
इतना जबरदस्त हो गया यहाँ बैठे बैठे कॉल करके यूएस वाले से बात कर रहे हैं और बातें उसको समझ में आ रही, क्योंकि हम दोनों स्टैंडर्ड बेस बातें कर रहे हैं, क्योंकि उसने भी वहां बैठ के क्या पढ़ा वही स्टैंडर्ड और हम भी यहाँ बैठ के क्या पढ़ रहे हैं। तो बहुत जबरदस्त एनर्जी बनती है। और मल्टीनेशनल कंपनीज की फायदे, जॉब यहाँ से स्टार्ट करो और जाके बैठो यूके यूएस में, यूं जाती है डेजिग्नेशन ऊपर अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट अच्छे जॉब के लिए बंदे बनते हैं। तो फ्रेमवर्क में चलना, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में चलना, हर ट्रांजेक्शन को स्टैंडर्ड के हिसाब से डील करना। एफ ए वन एफ ए टू में होता था नॉर्मल रूल्स के हिसाब से, अब हर स्टैंडर्ड में कोई एंट्री जरूर बन रही है, वो एंट्री ट्रांजेक्शन ही है, लेकिन किसके हिसाब से बन रही है इस बार, फला स्टैंडर्ड के हिसाब से, सही है। देखो एसेट तो पढ़ा है ना बचपन से, क्या होता है क्वालिफाइंग एसेट पढ़ा है आज तक कभी, तो जहन में आ रहा है क्या होता होगा ये क्वालिफाइंग एसेट? जो अभी कंप्लीट नहीं, इट टेक्स टाइम टू कंप्लीट, और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा फिर यूज होगा। ऐसे तमाम नॉन करंट एसेट्स को हम क्या कहते हैं, क्वालिफाइंग एसेट्स, सही है। लेकिन उसमें वो एसेट नहीं आ सकते जो मशीनों से मना, मतलब देसी मोबाइल फोन्स लैपटॉप्स। तो फिर सर इसमें क्या आता है, बिल्डिंग ब्रिज मॉल डैम भाषण मारी बड़ी बड़ी चीजें जो कि मशीनों से फॉरन नहीं बन सकती, क्या करें इस पे तो टाइम लगेगा सर। तो ऐसे एसेट्स को क्या कहते हैं, क्वालिफाइंग एसेट। इन क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर अलग स्टैंडर्ड, क्योंकि ये अभी बने थोड़ी है। अब इस पे क्या लगेगा पहले पता है, आपने शायद पढ़ाओ कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, शायद याद है। अब बताओ कितना ख्याल रखना पड़ता होगा कि एसेट अभी बन रहा है, उसके बनने के दौरान कितने कैपिटल एक्सपेंडिचर उसके लगे हुए उसको आए जा रहे हैं उसके अंदर, और कितने रेवेन्यू आ रहे हैं जिसको नहीं लेना है, आप क्या ख्याल है? उन सारे एसेट्स की जो भी बन रहे हैं उसके लिए एक आपने सिक्योरिटी गार्ड रखा, सिक्योरिटी गार्ड के पैसे डालोगे उसमें, जबकि अभी एसेट बन रहा है, बना नहीं है अभी। तो वो जो आपने जगह पे गार्ड बिठाया हुआ है कि देखो जब तक ये बन नहीं रहा तुम यहाँ से हिलोगे नहीं, तुम्हारी जॉब है ये, तो कैपिटलाइज करेंगे। तो अब एक सवाल उठता है, क्या ये कैपिटलाइज होने से एसेट महंगा हो जाएगा? सोचें, द पर्सन इज नॉट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर नहीं है वो, बस बाहर बैठा हुआ सामान की हिफाजत कर रहा है कि कोई चोरी करके ना ले। ये इसको कहते हैं, हमें पता डर का पैसा, डर लग रहा है आपको कि चोरी ना हो जाए। तो आप पाकिस्तान में रहते हैं, इसका मतलब बाहर के लोगों को तो नहीं होता ऐसा। तो इसका मतलब है अगर कोई गार्ड रख रहा है तो उससे वो चीज महंगी नहीं हो जाती, कोई सीसीटीवी कैमरा लगा रहा है तो उससे महंगी नहीं होती भाई, सुन लो। तो ये एक्सपेंस होगा, सही है। आप अपने प्रोजेक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि ये अपकमिंग प्रोजेक्ट है, एक साल में आने वाले क्वालिफाइंग एसेट है, फिर आपको ऑफिस मिलेंगे और शॉप्स मिलेंगी। ये जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है ये स्टार्ट से पहले ही हो रही है ना, बाद में तो नहीं हो रही, फिर तो कैपिटल होनी चाहिए। सोचे ये भी रेवेन्यू, क्योंकि कुछ चीजें दुनिया में डिसाइडेड है, नहीं हो सकती पहले दिन करो या आखिरी दिन करो, नहीं हो सकती है। तो हमें जरा थोड़ा सा एफआर लेवल पे देखना है कि सर वाकई स्टार्ट से पहले तो है लेकिन फिर भी क्वालिफाई नहीं करना, नहीं लेंगे प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब है एडवर्टाइजमेंट कराना इसलिए कि प्रोजेक्ट बिक जाए, आपका एक्सपेंस। अगर फर्ज करो आप अच्छे होते बिल्डर, फर्ज करो तो लोगों को पता चलता अच्छा फला साहब यहाँ बिल्डिंग है भाई बुक करो, इसको कहते हैं नो एडवर्टाइजमेंट रिक्वायर्ड, बेहतरीन। और आप एडवर्टाइजमेंट के लिए गाड़ियां घुमा रहे हो, देखा होगा गाड़ियों पे लगा हुआ है बैनर्स लगा रहे हो, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैसे हो सकता है रेवेन्यू जबकि अभी तक प्रोजेक्ट नहीं बना, ये समझा। तो कुछ चीजें याद कर लो, कुछ चीजें नहीं हो सकती, कुछ बाकी हो सकती होनी भी चाहिए। तो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे हर स्टैंडर्ड की, उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, फिर एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, ये रेशो की बात करता है। हमारे रेशो स्ट्रॉन्ग देखो उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक हमारी ग्रिप नहीं होगी स्टैंडर्ड्स, और स्टैंडर्ड्स पे ग्रिप करना का मतलब है आपकी परफेक्शन आ गई। और आखिरी काम जो आपसे चाह रहे हैं,
आप सिंगल एंटिटी की इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट चेंज इक्विटी कैश फ्लो बनाने के काबिल हैं। दूसरे नंबर पे आपसे चाह रहे हैं अगर आप किसी बड़ी कंपनी में चले गए तो कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट चेंज इक्विटी कैश फ्लो बनाने के काबिल हैं। सही है, काबिल हो जाने से मतलब है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाने चलते हैं तो सारे स्टैंडर्ड यूं आ जाते हैं। जब आप बैलेंस शीट बनाने जाओगे ये सारे स्टैंडर्ड आ जाएंगे, भाई मेरा ख्याल रखो, मेरा ख्याल रखो, मेरा ख्याल। तो वैसे आप मैनेजर डायरेक्टर हो भाई, रखो ख्याल। जब आप किसी कंपनी में एंटर होंगे ना, आपको कोई डिपार्टमेंट दे देंगे, तुम एक काम करो तुम इन्वेंट्री संभालो, तो तुम्हारी एक्सपर्टीज सारी IS2 में लग जाएंगी। महीना गुजर के आगे ही कर रहे हो, करे जा रहे हो भाई, तरक्की करो कुछ, अपने आप को और आगे ले जाओ। एसेट्स को देखो, एसेट्स का संभालो, फिर जाके लोन्स को देखो, लोन्स की अकाउंटिंग संभालो। जब तुम डायरेक्टर बनोगे तो तुम्हें सारी चीजें आती हैं, इसीलिए कहते हैं ऑडिट में जाओ, थोड़ा सा ऑडिट में जाओ क्वालिफाई होने के बाद ना। उसमें क्या होगा, जब वो ये घुमाएंगे ना, जब घूमेगा दिमाग तो वो हर हर डिपार्टमेंट में घुमाएंगे, कैश में भी नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, एसेट में भी नहीं छोड़ेंगे, मतलब बहुत मसला होगा। लेकिन सीखोगे बात, अगर डायरेक्टली जॉब पे जाते हैं तो हमें किसी एक पोस्ट पे डिजिग्नेट कर देंगे, हम उसके बहुत अच्छे बंदे बन जाएंगे मान लिया, लेकिन फिर जिंदगी भर हमारी बाकी स्किल्स रह जाएंगी। ऑडिट के बाद जाओगे ना, जबरदस्त फायदा होगा, वो ऐसा घुमाते हैं उसके अंदर। सर क्वालिफाई कर सकते हैं, ट्रीटमेंट अलग होती है, जाएगा सर आगे, वो सारा कॉन्सेप्ट कैपिटल रेवेन्यू। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दूंगा, बाकी फिर आप सोचो कि क्या ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता, क्योंकि देखो दुनिया ना वर्सेटाइल है, नई सी नई चीजें सामने आ रही हैं। तो अच्छा स्टूडेंट कौन होगा जो सोचे कि ये जो कॉस्ट आई ना, ये मुझे लग रहा है कैपिटल है, फिर जाके इन्वेस्टिगेशन की बात, वाकई कैपिटल, ये तो नई एक आइडेंटिफिकेशन निकली हमारी। इसका मतलब है हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, वो हमें रिजल्ट देता है, उसको हम सॉल्व करते हैं, सिंपल। तो ये हमारा मकसद है पूरे पेपर का। बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब है कंसोलिडेशन, इस पर पूरा स्टैंडर्ड है, सही। और सिंगल एंटिटी भी पूरा स्टैंडर्ड है, सही है। अब तक की बातों पे जो सवाल जहन में आ रहे हैं पहले पूछ लो, अदरवाइज मैं पहले सिलेबस डिस्कस करूँगा, सिलेबस में क्या पढ़ना है। चलो पूछो, मैं पूछता हूँ सर सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा, पूछता है ना फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस। देखो सिलेबस पूरी पूछती होती है 20 दिन पहले आप घर से, 20 डेज पहले, और उसके बाद 15 दिन तक अपने हिसाब से जितना ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है अपने कॉन्सेप्ट की करते रहो, और जहां फंसो उसको नोट करते रहो। पेपर से 3 दिन पहले मैं फिर बुलाऊंगा, एग्जैक्टली 3 दिन पहले। उससे क्या फायदा होगा, जितनी जगह पे फंस रहे हो मुझसे आके पूछोगे, और वो अपनी सारी जो बेस खराब हुई भी ना सही करवाओगे सारे। उसके बाद जब पेपर देने जाओगे ज्यादा रट्टे लगाने नहीं पड़ो, चाहिए। और अगर जरूरत ही नहीं पड़ी, सब समझ में आ रहा है, सब चीज सॉल्व हो रही है, तो उस वाली क्लास में कोई भी नहीं आ कहता सब समझ में आता रहे क्यों। जब भी उसको 3 घंटे की क्लास रखी है ना, 1.5 घंटे बाद सर जा रहे हैं, जाओ जबरदस्ती किस लिए। लेकिन कोई आके ये नहीं बोले सर वो मैं IS16 की क्लास में नहीं था, मैंने कहा अभी भी नहीं होते जा सकते। 4 दिन में जो टॉपिक खत्म हो रहा है तुम कह रहे हो मुझे पेपर से पहले, तो मैं 3 घंटे में बता, तो बाकी जो पूछने आए क्यूरीज वो कैसे पूछे। इससे बेहतर था रिकॉर्डिंग ले लेते उसकी जाके, जब तक हर हर क्लास के बाद रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाती है उसकी। तो जो स्टैंडर्ड हम यहाँ पढ़ेंगे उसकी पूरी बेस कंप्लीट करके आगे चले, फिर उसके अंदर कोई रिवर्स नहीं होगा मेरा सर। और कोई सवाल सर, क्लासेस कितने दिन होंगी, जो जो बच्चा पूछता है मैं ही पूछता हूँ ना, क्या पूछूंगा। देखो 4 क्लासेस चाहिए वीक में, सर ये 4 क्लासेस, और ये 4 क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे ईद के बाद, फिलहाल 3 ही रहेंगे, क्योंकि ईद के बाद बूस्टर स्टार्ट होगा, सही है। 4 क्लासेस से ही फायदा होगा आपको, क्योंकि उसकी वजह फिर आप 20 दिन पहले फारिग हो सकते हैं, क्योंकि कोर्स में पहले थे 18 स्टैंडर्ड्स 2 साल पहले, अब है 24 स्टैंडर्ड्स। SBR को हल्का कर दिया इन्होंने, FR को भारी कर दिया फिजूल में। और क्यों, रीजन क्या बताते हैं, वहाँ फेल ज्यादा हो रहे थे, मैंने कहा अजीब इंसान है, तो अब यहाँ पे इतना भारी कर दिया, नहीं फिर ऊपर ऊपर से पढ़ाया, मैंने कहा की क्या बाबू। तो इन्होंने बहुत सारी चीजें इसमें ऐड की, करेंसी का स्टैंडर्ड डाल दिया, गवर्नमेंट ग्रांट डाल दिया इसमें, बायोलॉजिकल एसेट डाल दिए, था ही नहीं इसमें कोर्स में,
इसमें क्या हुआ, अच्छा फिर वाकई उन्होंने समझ लें एक ही स्टैंडर्ड को 200 में पढ़ना है, तो मैं बताता रहूंगा आपको फलां स्टैंडर्ड हम इतना पढ़ लें जितना उन्होंने बोला है, बुक में भी उतना ही लिखा हुआ है, और बाकी फिर आप कहाँ पढ़ोगे जाके एसबीआर में, वहाँ है 16 स्टैंडर्ड 16, यहाँ है 24। तो उस हिसाब से अच्छी बात यह है यहाँ पर ढंग से पढ़ लो, 80+ में क्लियर करो तो वहां पर 40% तैयारी के साथ जाओगे। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ 10% अगर पास होने वाले हो, और अगर अच्छे नंबर लेने तो फिर जो टीचर को करें बताते रहेंगे सुंदर है उसकी सही था। इतना टीचर पिछला रिवाइज नहीं करना, इतना नहीं करवा सकेगा, इतना भारी पेपर है कैसे कराएंगे, वो से भी पूछेगा ये तो आप पढ़ के आओ ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, वो हो रहा है सर मैं तो एब्सेंट था उसमें, थोड़ा सा बता दें सर मैं जाओ किताब में पढ़ के आओ तो भी समझ में आओ ये क्या बात है, इतना टाइम नहीं है, 16 इतने भारी स्टैंडर्ड है वो पढ़ाऊँ ये पढ़ाऊँ, मैं 30 मार्क्स का तो कंसोलिडेशन आता है अभी 20 नंबर अकेला सवाल कंसोलिडेशन है 30 मार्क्स, मतलब फुल एक्सट्रीम एसबीआर है ना भाई फुल एक्सट्रीम, उसको पता है पास हुआ मार्केट में जाएगा सीधा, तो वहाँ इसमें कोई कमी नहीं छोड़नी, मस्ट बी एक्सपर्ट सही है। तो अभी यहाँ पे एफआर है चलो अच्छा है फिर भी तो हो जाएगा इतना मसला नहीं। अच्छा देखो सिलेबस में 5 सेक्शन है, बुक में जाके सिलेबस देखना या नेट से डाउनलोड कर लेना, 5 सेक्शन है, सेक्शन बी सक्सेस और फेलियर, सेक्शन बी में किसी की ग्रिप नहीं हुई गया हो क्योंकि सेक्शन बी में स्टैंडर्ड है सारे सही है, सेक्शन ए थ्योरी है, थ्योरी में मैं आखिर में पढ़ाता हूँ क्योंकि उसके लिए बेस चाहिए होती है स्टैंडर्ड की ना, इन्होंने दोनों किताबों को इस तरह से प्लॉट किया हुआ है, मुझे समझ में नहीं आया कि बच्चा पहले दिन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को कैसे अप्लाई करेगा, भाई उसको तो स्टैंडर्ड ही नहीं पता, रेशो कैसे करेगा पहले दिन, उसको पता ही नहीं रेशो में क्या करना है, तो दो चीजें और कुछ स्टैंडर्ड्स आखिर के लिए रखे हुए, अभी हम फोकस करेंगे इन चीजों, ये सेक्शन बी अकाउंटिंग फॉर ट्रांजेक्शन एंड फाइनेंशियल स्टडी, ये सेक्शन बी, इसमें सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, टेंजिबल नॉन करंट एसेट सही है, जिस सीक्वेंस में ये है ना मैं सेंड करूंगी आप, हाँ ये सारी फाइल सेंड करूंगी, इसी सीक्वेंस में पढ़ाई कर जाए बुक के हिसाब से आगे पीछे होगा सही है, लेकिन हम इसी तरह तैयारी करते हैं, सबसे पहले 16 पढ़ेंगे, उससे पहले स्टार्टर के तौर पे हो सकता है IS2 करा दूंगा बहुत हल्का है FR1, तो 16 किस पे बेस करता है कुछ ही को याद, अब जरा मुझे थोड़ा सा एक सवाल का जवाब दो, ये प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, प्रॉपर्टी हाउ यू कैन डिफाइन अ प्रॉपर्टी, अच्छी बात है लेकिन शर्त नहीं, तो बिल्डिंग इज अ प्रॉपर्टी बट लैंड इज ऑल्सो प्रॉपर्टी, और यहाँ स्टूडेंट खाता कंफ्यूजन, उसने कहा प्रॉपर्टी को डेप्रिशिएट कर दो, इसका मतलब बेसिकली वो क्या कह रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग, उसने कहा प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट कर दो, इसका क्या मतलब निकलेगा फॉरन लैंड एंड बिल्डिंग, फिर सवाल को गौर से पढ़ो लैंड कहाँ लिखा है, क्योंकि लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता, इतना तेज है आखिर में कहीं लिख देगा, द प्रॉपर्टी कंटेन्स 20% लैंड विच बॉस यूजेस, आपने जल्दबाजी में डेप्रिशिएशन निकाली नेटबुक वैल्यू निकाली करके आपका खराब हुआ क्यों भाई, हाँ सवाल साइलेंट है कुछ पढ़ लिया नहीं मिल रहा लैंड, इसका मतलब है लैंड नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल से मतलब है इतनी वैल्यू लैंड की नहीं जितनी बिल्डिंग की है, तो अकाउंटिंग ने आपको कहा इसकी उसको अलग करने का कोई फायदा नहीं, यू कैन स्किप दैट, अदरवाइज मेजॉरिटी क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी लिखने के बाद नीचे बताता है दिस प्रॉपर्टी इंक्लूड्स 2 मिलियन लैंड, सर फिर टोटल कितने की है 10 मिलियन, तो 2 मिलियन लैंड हो गया 8 मिलियन, तो जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है फ्यूचर में वो 8 पे होनी है, आपने सही से पढ़ा नहीं आपने 10 पे पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया सही, ये एक एरिया तंग करता है थोड़ा सा सही, तो उसका ख्याल रखिए, बाकी इक्विपमेंट हो गए और पहली दफा आप पढ़ेंगे कैश जनरेटिंग यूनिट का कॉन्सेप्ट CGU, कैश जनरेटिंग यूनिट मतलब अगर मैं इंस्टीट्यूट कहूंगा ना इंस्टीट्यूट, तो ये CGU है कैश जनरेटिंग यूनिट, कैसे सर इस कैश जनरेट करने में हमारे मल्टीमीडिया चेयर्स लैपटॉप्स बड़ी हेल्प कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इन सबकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी या नहीं,
पेपर में इसको पहले कहते थे कॉम्प्लेक्स एसेट। सितंबर 22 में इन्होंने कहा स्टूडेंट्स को कॉम्प्लेक्स एसेट ना कहें, वो बेचारा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है, वो समझता है पता नहीं क्या आ गया पेपर में, मैं तो नहीं कर सकता। कॉम्प्लेक्स एसेट का मतलब है एक सवाल में चार एसेट, तीन एसेट होंगे, अलग अलग लेके चलना। तो उन्होंने कहा कॉम्प्लेक्स एसेट का वर्ड मिटा दें, ना बोले बच्चे को, उसको ये बोले CGU, कैश जनरेटिंग यूनिट। और कोई भी कैश जनरेटिंग यूनिट है उसमें तीन चार एसेट हो सकते हैं, इसमें क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ हेड ऑफिस की डेप्रिसिएशन निकाली, हमारा अपना हेड ऑफिस है, इसका मतलब क्या पता है, हेड ऑफिस खुद नॉन करंट एसेट, उसके अंदर लैपटॉप्स, उसके अंदर फर्नीचर, उसके अंदर मल्टीमीडिया, प्रिंटर और पता नहीं क्या क्या रखा होगा। इवन इंटेंजिबल पे आ जाओ, चलो अच्छा सॉफ्टवेयर होंगे, ब्रांड नेम्स होंगे, इसका मतलब है वो इतना बड़ा अकाउंटिंग है पूरी उसकी। और मुझे क्या कह रहे हैं, हेड ऑफिस को डेप्रिशिएट कर दो, आसान काम है ये। कह रहे हैं शिप को डेप्रिशिएट कर दो, एक सवाल आया 10 नंबर में, शिप को डेप्रिशिएट कर। तो ऐसा होगा 10 साल की लाइफ है, 10 पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, आंसर ऐसे ग्रो। सर शिप की बॉडी, शिप का इंजन, शिप के अंदर फैसिलिटीज, फर्नीचर, एक्स्ट्रा गार्डेड शिप्स मतलब जो इमरजेंसी के लिए होती हैं, उनकी लाइफ अलग है, शिप की लाइफ अलग है। इसका मतलब है हम पेपर में कॉलम्स बनाते हैं, कॉलम फॉर शिप, कॉलम फॉर इंजन, कॉलम फॉर फर्नीचर, फॉर कैबिन, ऐसे करते हैं और सुकून से पढ़ते हैं सवाल को, क्योंकि 10 नंबर का सवाल वैलिड अच्छा सवाल है। लेकिन पेपर में अगर 2 नंबर का सवाल बनाना होगा तो CGU नहीं दे सकते, कैसे देगा, किसी एक मशीन को पकड़ेगा, उसमें थोड़े से अच्छा सवाल बना के देगा। 23 अच्छा रिवैल्यूएशन क्या होता है, अच्छा होगा। मैं आज की क्लास में ना कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाना चाह रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ FR में करने के हवाले फ्यूचर के अंदर, ठीक है, पहले से बताना चाहिए। जैसे कि कोई ऐसे उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए मार्केट में, और मार्केट बढ़ाए तो चलेगा सर, मैं नहीं बढ़ा सकता, आई हैव नो राइट टू इंक्रीज द प्राइस। तो रिवैल्यूएशन मींस वैल्यू का बढ़ना, मैं किसी और जगह मर्ज हो रहा हूँ, इवेंट है, मुझे कोई खरीदने वाला है, इवेंट है, नेचुरल डिजास्टर आ गया, ये खतरनाक इवेंट है, क्या ख्याल है इस तो वो बोलता आता नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। तो IS-16 के अंदर हमें रिवैल्यूएशन तक जाना है, सही है। फिर 23 का मतलब है क्या, ऐसा हो सकता है पहले एसेट बनाऊंगा फिर इस्तेमाल करूंगा, हो सकता है पहले मॉल बनाएंगे फिर रेंट पे दे देंगे, या मॉल बनाएंगे और उसमें खुद काम करेंगे। अकाउंटिंग चलती है इंटेंशंस पे, इंटेंशन चेंज होते ही स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है, हैरत की बात, क्या समझे। ये बताओ IS-16 का मतलब क्या पता है, इंटेंशन टू यूज, याद कर लूँ IS-16 प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट में मैं उन तमाम चीजों को खुद क्या करूँगा, तो इसका अंदर इस स्टैंडर्ड का मतलब है इंटेंशन टू यूज, बात समझ में आ गई। 23 का मतलब क्या है, इंटेंशन टू कंस्ट्रक्ट देन यूज, इंटेंशन टू बिल्ड देन यूज, इंटेंशन टू डेवलप देन यूज, फर्क हो गया। अब ये बताओ जो चीज कंप्लीट होने वाली है मतलब बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, मॉल, ब्रिजेस, ये बनने में टाइम लेंगे, उस वक्त डेप्रिशिएट होंगे, पक्की बात है। इस वक्त स्टूडेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त होना चाहिए कि कुछ भी नहीं छूटे, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन इतने सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू सामने आएंगे कि अलग करना पड़ेगा, ये रेवेन्यू है, ये कैपिटल, कैपिटल वाला कंस्ट्रक्शन में डालो, रेवेन्यू वाला हटा, बात समझ में आ रही है। चलो कंस्ट्रक्शन के दौरान कोर्ट का केस हो गया, इलीगल कंस्ट्रक्शन, बाद में बजला पैसे खाने दें, कुछ अरसे बाद सेटल कर लिया मामला, पैसे दे दिए, इस पैसे को ऐड करेंगे, बात समझ में आ रही है, कोर्ट का केस हो गया तो अच्छा लीगल पेपर्स फ्रॉम द कोर्ट टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन, अब समझ में आ रहा है, लीगल पेपर्स, बाउंड्री स्केचिंग, अप्रूवल, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, सब कैपिटल है क्योंकि लीगल है, पेनल्टी, फीसेस, फाइंस नहीं हो सकते, तो गड़बड़ की होगी तुमने तभी तो लगे तुमने, इसको हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते, मना है, और वो भी सकता, वरना तो हम इतने फाइन बनाते जबरदस्त, रोजाना फाइन बनाते,
क्योंकि फाइन भी कैपिटल होता है, इतनी महंगे एसेट। अब देखो कितनी चलाकी, अगर ये सारे भी एसेट में डाल दें, जब एसेट कंप्लीट होगा तो डेफिशिएंट शुरू होगी, डेफिशिएंट शुरू होगी, डेफिशिएंट ज्यादा लगेगी कम, ये चलाकियां देखें। जब ज्यादा डेफिशिएंट लगेगी तो एक्सपेंस ज्यादा, प्रॉफिट कम, कम प्रॉफिट पर टैक्स भी कम, अजीब चलाकी। इसका मतलब ऑडिटर्स आके सबसे पहले ये देखते हैं, अगर बना रहे हो तो ऐसा ना हो तुम बना दो फिर हमें, है ना, और क्या, कैपिटल में कैपिटल को रखो भाई और रेवेन्यू को, ये क्या चलाकी करो तुम, सही है। और कंस्ट्रक्शन के बाद वैसे ही तुम्हारे पास चांस खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो एसेट बन जाएगा, अब बनने के बाद उसको तो इस्तेमाल होना है, बनने के बाद इस्तेमाल होगा डेप्रिसिएशन में चले जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ अगर करोगे तो मॉडिफिकेशन कहलाएगी, वो सही है, करनी भी चाहिए। तो 23 स्पेसिफिकली क्यों बना, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या बोरिंग करते होंगे, बोरिंग लोन, बस लोन लिया और स्टैंडर्ड बीच में, ये खतरनाक बात, अपने पैसों से बनाओ ना, जो कंपनी के पैसे पड़े हुए, शेयर होल्डर के पैसे पड़े हुए, प्रीमियम के पैसे पड़े हुए, रिटेन अर्निंग्स के पैसे पड़े, उससे बनाओ, लोन से बनाओ। अकाउंटिंग कहता है लोन पे इंटरेस्ट होता है, हाँ सर होता है, और इंटरेस्ट कब दिया, कंस्ट्रक्शन के दौरान या कंस्ट्रक्शन के बाद, अकाउंटिंग का रूल, कंस्ट्रक्शन के दौरान अगर इंटरेस्ट दिया तो कैपिटलाइज होगा, लॉ बना दिया, बाद में हमेशा रहे, क्योंकि जैसे ही बन गया उसी दिन IAS 23 खत्म। यानी कि कुछ स्टैंडर्ड दुनिया में ऐसे हैं जो पीछा नहीं छोड़ेंगे, उसमें 16 है, सारी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ेंगे, एसेट के बगैर कैसे करोगे। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो थोड़ी देर के लिए आते हैं, अपनी अकाउंटिंग परफॉर्म करते हैं और चले जाते, फिर सालों नहीं आते। जो कंपनी कभी कंस्ट्रक्शन में जाती नहीं, डायरेक्ट खरीदती है जाती, तो उसने तो जिंदगी में IAS 23 यूज नहीं किया होगा। इसका मतलब कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो कि एग्जामिनर के हिसाब से हल्के भी बहुत हैं, आसान भी हैं, और इतने इंपॉर्टेंट भी इसलिए नहीं होते क्योंकि अकाउंटिंग कहता है इसकी तो, ये तो जरूरत के तहत आते हैं, जरूरत पूरी करते हैं चले जाते हैं। 40 आपने एसेट को इंटेंशन टू यूज से हटा दिया, तो सर अब क्या करूं, आपने कहा रेंट पे दूंगा, मेरा प्लांट, मेरी जगह, मेरे ऑफिस, अब हमें इस्तेमाल नहीं करने क्योंकि बिजनेस थोड़ा सा क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, हम इतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं चला पा रहे, एक काम करते हैं आधी ना रेंट पे दे देते। तो अकाउंटिंग कहता है अच्छा रेंट पे दे रहा हूं, ओके, स्टैंडर्ड चेंज, क्योंकि इंटेंशन टू यूज इज नाउ इंटेंशन टू अर्न, रेंटल्स IAS 40 ना मना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 40, इंटेंशन टू रेंट IAS 40, इंटेंशन टू यूज 16, इंस्ट्रक्शन टू कंट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट 23। हर बात पे स्टैंडर्ड, अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, क्योंकि उस हिसाब से फिर हमें टेंशन नहीं होती, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, भाई स्टैंडर्ड जो कह रहा है कर लो, दैट्स ऑल, सीख के जाओ स्टैंडर्ड्स कैसे होते हैं। 38 क्या होता है, इंटेंजिबल्स, इंटेंजिबल्स की डेफिनेशन क्या है कुछ पता है, आसान सीधी बात कर लो, नॉन फिजिकल सब्सटेंसेस, जो नजर नहीं आते, सही है, उसको इंटेंजिबल्स कहते हैं। इसकी अकाउंटिंग सीखेंगे डिटेल में। अच्छा 36 क्या ये हो सकता है, एसेट, देखो एसेट को सिस्टमैटिक तरीके से डेप्रिशिएट करते हैं ना, तो क्योंकि यूज कर रहे हैं तो डेप्रिशिएट कर, पता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कहता है इस्तेमाल कर रहे हो ना भाई, तो वैल्यू थोड़ी सी क्या होगी, तो कम करो। हमने कहा सही है, नेटबुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट आया दुनिया में, और नेटबुक वैल्यू से फायदा क्या हुआ, जब नेटबुक वैल्यू निकालने के बाद बेचते हैं ना तो कम नहीं होता, और वो होता तो कम होता, क्या समझ, 1 मिलियन का एसेट 2 साल चलाया 8 पे आ गया, अब 8 वाली चीज बेचने गए तो 7 में बिकी, तो 3 का धचका ही लगा, एक का धचका, और अगर 9 में बिक गई तब के हंसना ही नहीं चाहिए था, तो 10 के भी खुश क्यों हो, बोले सर इस्तेमाल भी तो किया है, ये बोले इस्तेमाल भी की फिर भी 9 मिल गए, जैकपॉट, तो बहुत अच्छा हो गया। और फर्ज करो कि इस्तेमाल करने के बाद उस पर आ गया कोई नेचुरल डिजास्टर, कोई अनसर्टेन कंडीशन, कोई अर्थक्वेक, फ्लड्स, फिजिकल डैमेज, इलेक्ट्रिसिटी इशू, फायर अकर्ड, मतलब कोई ऐसी अनसर्टेनिटी जिसके लिए मैं और आप तैयारी नहीं थे,
सिस्टमेटिक में तो तैयार होते हैं, एसेट चला रहा हूं सर, डेप्रिसिएशन हो रही है, नजर आ रही है, लेकिन फ्लड तो बता के नहीं आता मैं आ रहा हूं, अर्थक्वेक तो बता के नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिक शॉक, फायर इंश्योरेंस, अगर इससे वैल्यू गिरी तो उसके लिए नया स्टैंडर्ड इंपेयरमेंट। इसका मतलब है नेचुरल क्लैमिटीज या अनसर्टेनिटीज से जो वैल्यू गिरती है उसके लिए जो स्टैंडर्ड बनाया उन्होंने उसका नाम रखा है इंपेयरमेंट। और सिस्टमेटिक तरीके से जो एसेट की वैल्यू गिरती है वो डेप्रिसिएशन है, वो तो बचपन से ही करते आ रहे हैं आज तक। तो 16 में क्या ट्रीट होती है? डेप्रिसिएशन। और अनसर्टेनिटी से वैल्यू गिरती है उसको वो कहां लेके जाते हैं हम? इंपेयरमेंट। तो क्या ऐसा हो सकता है मैंने बड़ी चाहत से सॉफ्टवेयर बनवाया लेकिन वो चीजें ही अपडेट हो गई मार्केट में, मेरे सॉफ्टवेयर को भी कुछ ही नहीं रहा, इम्पेयर हो। मैंने बड़ी चाहत से एक जगह फैक्ट्री लगाई, गवर्नमेंट ने कहा ये जमीन इल्लीगल है, यहाँ से जल्दी से इल्लीगल, तो जो पैसे मिलने थे वो भी नहीं मिले, लॉस में गए। अच्छा होना रिवैल्यूएशन, देखो फर्क है, पहले मेरी अकेली की फैक्ट्री थी, अब यहाँ पूरी फैक्ट्री का जाल हो चुका, मेरी वैल्यू कहाँ निकल गई, मैं पुराना था ना, सुनो ये रिवैल्यूएशन। और अब लोग यहाँ से फैक्ट्री हटा रहे हैं क्योंकि जमीन में कैपेसिटी नहीं है, मैं आखिरी रह गया। मैंने कहा मुझसे कोई नहीं खरीदेगा, उसको क्या फायदा होगा, जंग कर देगा उसको पूरा, नुकसान होगा। इसका मतलब है एसेट का बढ़ना रिवैल्यूएशन, कम होना इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट के लिए अलग से स्टैंडर्ड। अच्छा इन्वेंट्री के बारे में पता? यस सर। इन्वेंट्री हर वो चीज है जो बेचने की नियत से ली जाए, चाहे दुनिया के बड़े बड़े प्लॉट हों, बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, लेकिन अगर बेचने की इंटेंशन है तो अकाउंटिंग उसको इन्वेंट्री बोलता है। उसमें आपके कोर्स में फीफो एवरेज के बचकाना सवाल नहीं आता, कहते हैं बच्चे बड़े हो गए, इसमें आता है एनआरवी, यही आती है एनआरवी टेस्ट, कि एनआरवी के बाद लॉस हो रहा है नहीं हो रहा, लॉस के बाद वो इनकम स्टेटमेंट में किस पे जाएगी, लोअर ऑफ कॉस्ट पे जाएगी या एनआरवी पे जाएगी, वो देखना, और वो भी बहुत कम, मतलब कैपलान की पूरी किट में 4 सवाल, बीबीबी में 5 सवाल, टोटल 9 सवाल और स्टैंडर्ड खत्म। एडजस्टमेंट के लिए बिल्कुल बेकार है, कहते हैं क्या पूछूं, बच्चा एक्सपर्ट है इसमें, इसकी एडजस्टमेंट बनाने का मतलब है इस साल पास करने का मुद्दा, सही है। 41, कभी सुना दरख्तों की अकाउंटिंग, एनिमल्स की अकाउंटिंग? दोनों में फर्क कर लो, कैटल फार्म में जानवर होंगे कौन से वाले, मिल्क या चीज के लिए, पोल्ट्री फार्म में वो हैन जो है वो बेचने के लिए बना रहे हैं, IS2 इन्वेंट्री, सही है, बहुत फर्क है। और वो जो है ना एनिमल वो डेली मिल्क दे रहा है, डेली बेच रहा, डेली खाना खा रहा है फिर दोबारा मिल गया, IS41 बायोलॉजिकल एसेट्स, मतलब लिविंग थिंग्स पे होता, पूरी पूरी कंपनीज हैं जो लिविंग एनिमल्स पे काम करनी पड़ा, मिल्क सेलर्स हैं मतलब, या वूल सेलर्स हैं, शीप के अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड वूल्स निकलता है, या फिर मैंगो की फार्मिंग, डेट्स ट्री की फार्मिंग, तो उसमें भी ये स्टैंडर्ड लगता है। मैंने जानवर पाला बेचने के लिए, कौन सा स्टैंडर्ड? IS2, सही है। मैंने जानवर पाला ट्रांसपोर्ट के लिए, 16 इंटेंशन टू यूज, अब रोजाना मेरा सामान खींच के ले आता है, खाना खाता है कुछ ला के नहीं देता, बस खेच के ले आता है, IS16, सही है। और तीसरा, इस जानवर से मैं मिल्क लेता हूँ, 41, ये 41, इसको बेच के मीट यूज करो, मीट बेचूंगा, टू इन्वेंट्री, मीट 1 टाइम फायदा है, एनिमल को बेचना पाल के 1 टाइम फायदा है, सही है, हैन को बेचना 1 टाइम फायदा है, और मिल्क वूल अरे फायदा, इसके ऊपर स्टैंडर्ड है। बायोलॉजिकल एसेट्स को नॉन करंट एसेट को माना जाएगा लेकिन उससे कोई रिजल्ट आना चाहिए। जैसे दरख्त को लेते हैं, एक दरख्त होता है साई के लिए, चारों तरफ लगाएंगे, वो कौन से स्टैंडर्ड में जाएगा? 16।
इंटेंशन टू यूज, वो बस साया दे रहा है। एक होता है मैंगो फार्मिंग, हर साल मैंगो देगा दरख अपनी जगह, दरख की लाइफ अलग, पता है इसमें लाइफ होती है, जमीन की फर्टिलिटी, दरख की लाइफ, पूरा सवाल बनता है। मैंगो बेचो पैसे कमाओ, सही है, ये पूरा स्टैंडर्ड हो गया। उसमें मिल्क बेचो पैसे कमाओ, फिर कहता है अच्छा मिल्क इस स्टैंडर्ड में आता है और मार्जरीन नहीं आती, कहता आईएस टू है, वो बनती है। मेरे से कोई मिल्क ले गया और योगर्ट बना दिया, मेरे से कोई मिल्क, मैं कंपनी हूँ, मैं आईएस 41 का, वो एनिमल्स मेरे आईएस 41, वो मिल्क भी आईएस 41, इनका मैंने प्रोसेस हुआ और गया। अब कोई तीसरी चीज बनी, मतलब मैंगो ट्री आईएस 41, मैंगो आईएस 41 और जैम और शेक्स और जो भी एक्सपर्ट है वो आईएस 2। तो इतने बेगुहाना सवाल भी पूछते, बताओ इसमें से आईएस 2 वाला कौन सा है, 41 वाला कौन सा है? और सॉल्व करना इतना आसान है, बेहतरीन है, मतलब सही। तो ये भी स्टैंडर्ड है पूरा कोर्स में। अच्छा, लोन्स की ट्रीटमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, लोन जो है कभी दो रेट से ना लोन में, तो इन लोगों को तो नहीं पता होगा, दो रेट होते हैं लोन के ना, एक बिजनेसमैन का साइन हुआ है बैंक से और एक सेंट्रल बैंक ने दिया था कमर्शियल बैंक को, मेन जो सबको सबकी नॉलेज में है, जो सबकी नॉलेज में होता है ना उसको इफेक्टिव रेट कहते हैं, जो सब पे होना भी चाहिए। लेकिन अगर मैं कमर्शियल बैंक से बैठ के एक नया रेट साइन करा दूं जिसको कूपन रेट कहते हैं, तो ये टसल शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपसे 6% साइन करवा लिया, मार्केट में वो 10% चल रहा है। तो आईएस 9 ने 79 ने आके क्या कहा, देखो भाई अकाउंटिंग तो 10 पे होगी, क्या कहा उसने, आपके बीच में क्या समझ है मुझे क्या पता, लेकिन अकाउंटिंग में सबकी नॉलेज में तो 10 है, अकाउंटिंग तो 10 पे होगी, तो सर मैं 6% का क्या करूं, आप एक काम करो पहले 6 पे कर दो, बाकी 4 बाद में दे देना, देने तो है, मैं चोर पे दे देना उसको। हमने F3 तक हमेशा एक इंटरेस्ट रेट पढ़ा, कभी कंफ्यूजन ही नहीं हुई। अब इस बार दो इंटरेस्ट रेट, एक जो पार्टी के बीच में साइन हुआ है कमर्शियल बैंक से और एक जो सेंट्रल बैंक ने ऑर्डर दिया हुआ पूरे पाकिस्तान में, इसमें टसल तो आएगी, सही है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर लीज, लीज क्या होता है पता, एक बिल्डिंग हम ओन करते हैं जो हम किसी और को दे दें इस्तेमाल के लिए। देखो अब फर्क है, फर्क ऐसे चीज को रेंट पे देना जिसमें पावर्स ना जाए 40, और एक होता है आपकी हो गई जाओ, क्या नाम है, मालिक नहीं बने आप, लेकिन आपको उसमें जो चेंजेस करनी कर सकते, एक टाइम पीरियड, इसको लीज कहते हैं, कंट्रोल ट्रांसफर, हाँ कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है, हाँ लॉ है। अगर लीज में कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हो रहा तो रेंट है सर, रेंट अ कार, रेंट अ हाउस, रेंट एन ऑफिस, वो लीज की छोटी टाइम है, उसको हम ऑपरेटिंग लीज कह के साइड में कर देते हैं, आधे घंटे की भी अकाउंटिंग नहीं है उसकी, क्योंकि बचपन से ही अकाउंटिंग करते आ रहे हैं, सही है। लेकिन अब जब लीज की प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे इसमें आप मालिक बन जाए सेफ। और देखो तबानी साहब ये पूरा कैंपस रेंट पे भी दे सकता है, लेकिन जरा रेंट पे समझना, दो तरह का रेंट, ये मल्टीमीडिया एसीज पंखे वगैरह कुछ नहीं हिला सकते, स्टूडेंट आएंगे पढ़ेंगे और चले जाएंगे, तो मैं रेंट दे देने। ये कौन सा है, ऑपरेटिंग लीज यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये बात समझ में आई। लेकिन एक होता है सर मैं ये रूम तोड़ दूं अगर, और मैं बराबर वाले को उसमें मर्ज कर लूं और बड़ा ऑडिटोरियम बनवा लूं, एसी चेंज कर दूं, जगह पीछे ले जाऊं, वहां से मैं यहाँ पढ़ाने बैठाऊं, तो अगर आपको ऐसे रेंट पे देना है तो ये लीज है और इसका रेंट भी बहुत होता है, इस पे इंटरेस्ट भी मिलता, ओनरशिप नहीं होती लेकिन कंट्रोल ट्रांसफर होता है जबरदस्त। ब्रेक लेनी तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं जल्दी ऑफ करूंगा आज, मैसेज आया ना यहाँ पर, और लीज पे एसेट दो तरह से देखेंगे हम, एक होता है कंट्रोल के साथ लेना, एक कंट्रोल के बगैर। कंट्रोल के साथ वाली लीज में आप ऐसा लगता है कि मालिक कौन है, सबके मालिक नहीं होता, लेकिन जितने साल के लिए लीज पे लिया ना वो असल मालिक
मुझे चूं भी नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं चलेगा। मैं आपको रेंट भी दे रहा हूँ और आपको इंटरेस्ट भी दे रहा हूँ। कभी सुना है रेंट पे इंटरेस्ट? नहीं, कभी नहीं सुना मैंने। लेकिन इस बार आपको रेंट भी देना होगा, इंटरेस्ट भी देना, तो सोचो कितना हैवी होगा। तो ये बड़े 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 अमाउंट्स पे ये साइन होता है। लेकिन इससे ही बताओ मुझे क्या फायदा, मैं क्यों ले रहा हूँ इतना हैवी रेंट को, मैं क्यों ले रहा हूँ? ऐसा क्या कंट्रोल होता है, आप बदल दो। ये तो कंट्रोल तो है, लेकिन मैं बदल गया। जो सबसे इम्पोर्टेंट लीज के एसेट की क्वालिटी है कि मैं फ्रीज नहीं करता। से फॉर ये जगह मुझे 10 करोड़ की मिल गई, लेकिन लीज पे ही मुझे मिल गई 40 लाख, एक साल का रेंट 40 लाख, इंटरेस्ट सब 5 साल का कितना होना, 40 लाख के हिसाब से 2 करोड़ होगा। 10 करोड़ तो नहीं फंसे ना मेरे, एक बात ये हो गई। और 5 साल बाद मुझे जगह समझ में आ गई, तो लीज की टर्म्स में लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो खरीद लेना, पक्के मालिक बन जाना उसको, इसने मना किया। लेकिन शर्त है जिसकी है प्रॉपर्टी वो बेचने को तैयार हो, और आप उसके उसको सस्ता नहीं करवा सकते, मना है। जो मार्केट का रेट चल रहा होगा, हो सकता है 5 साल बाद वो 15 करोड़ की हो गई है, तो यू हैव टू पे 15 करोड़। लेकिन मुझे पता है अगर मैंने ये जगह छोड़ी तो मैं सारा बिजनेस मेरा खराब हो जाए, क्योंकि आप बिजनेस जम गया। जेंट्स वे देखा बराबर में, ये लीज वाले रेंट पे आए, इसीलिए तोड़ फोड़ करके पूरे बंगले को रेस्टोरेंट जैसा बना दिया, ये समझे बंगला था वो। हाँ, रेस्टोरेंट कैसे बन गया, काउंटर कैसे आ गया उसमें? अब कल को किसी इसको वापस आना वाला मालिक को तो रेस्टोरेंट में रहेगा, पीछे किचन बना हुआ है, चिमनी लगी हुई है, अजीब लगेगा उसको। उसका मतलब उसने कहा मेरा नुकसान होगा, मालिक को पता है मेरा बहुत नुकसान होगा, क्योंकि वो सब तोड़ फोड़ देगा, एसी लगाएगा, डक्स निकालेगा, रेंट क्या साइन क्यों होगा? सोचा सारे पैसे देने पड़ेंगे, बहुत पैसा, पैसा ही पैसा। अब वो कहेगा अगर 5 साल के बाद मैं इसको तोड़ के एक नया बंगला बना लू ना इसके ऊपर, तब भी सही। और अगर चल गया तो ये मेरे जान खा जाएगा, नहीं मैं तो ये रहूंगा, मुझे तो ये खरीदना है, मैं फिर उसको कैश करा लूंगा। इस चीज के लिए उसने 2 साल वेट किया है। मतलब तबानी साहब इसको कह रहे थे बराबर वाली बिल्डिंग बड़ी, हमें यहाँ पे कम पड़ रहे ना रूम्स, तो हम चाह रहे थे ये बिल्डिंग लेके हम कंस्ट्रक्शन करा के वो मर्ज कर लें उसको हमने। लेकिन इसको पता चल गया ये तबानी और कैसा है, तो वो कोटेशन देता था हमेशा जो एक्सेप्टेबल नहीं थी, गलत थी, नाजायज। सही बात है। तो अब जो रेंट साइन होगा ना खुश हो गया, 2 साल सब बाहर रहेंगे मुझसे 2 साल के लिए, क्योंकि जैसे ही अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा किए बगैर नहीं जाएगा, लॉस है उसको, तो थोड़ा ठहरेगा, पब्लिसिटी करेगा, अपने पैसे निकलवाएगा जो चीज लग रहे हैं उसको, चल गया जैकपॉट, नहीं चला कोई बात नहीं, रिस्क तो लेना पड़ता है बिजनेस के अंदर। ये है मेरे हिसाब से पक्का फाइनेंस लीज कॉन्ट्रैक्ट है। सही, अच्छा जी, तो अभी एसेट, अच्छा प्रोविजन क्या होता है पता है? जिसके बारे में मुझे और आपको किसी को नहीं पता हो। मतलब हमारी कंपनी के ऊपर क्लेम आ गया गवर्नमेंट की तरफ से, आपने गलत चीज प्रोवाइड किया, प्रोडक्ट सही नहीं है, आपने केस कर दिया। हमने अपने एक्सपर्ट से पूछा कि वाकई ऐसी वहां से थोड़ी गलती होगी, गलत प्रोडक्ट चलेगा। मैंने कहा फंसे, अब जैसे कहना फंसे प्रोविजन बनाओ बैठ के। और उसने कहा नहीं सर ये गलत कर रहे हैं, हमने ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं भेजा, वी हैव द एविडेंसेस। अब हमारे एक्सपर्ट के कहने पे हम प्रोविजन नहीं बनाएंगे बल्कि केस लड़ेंगे जाते और वहां से मारा जाएंगे केस। इस तरह की चीज होती है, लोगों को निकाल दिया, उन्होंने केस कर दिया, गलत फॉल्टी प्रोडक्ट बना के दे दिया, केस कर दिया, गवर्नमेंट की रूल्स तोड़ दिया, वहां से लेटर आ गया, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो सकती है इसमें। मतलब इसका स्पैन बहुत बड़ा है। इसमें पेपर में क्या आता है, क्या ये प्रोविजन है या नहीं? और है तो अकाउंटिंग इतनी हल्की है इसकी, डबल एंट्री पास करके बन जाती है। असल है डिसीजन कि क्या प्रोविजन है या नहीं। सही, अगर प्रोविजन है तो सर एंट्री लायबिलिटी, तो फिर लायबिलिटी है या फिर एसेट भी होता है, बिल्कुल ऐसी सब आता है। IAS 10 बिल्कुल आखिर में पढ़ेंगे इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग के लिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड तमाम स्टैंडर्ड्स के ऊपर बैठा हुआ है, इसको मैं पहले नहीं पढ़ा सकता। सही, ऑडिटर का स्टैंडर्ड है बेसिकली। टैक्स, टैक्स के बगैर वो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी चल ही नहीं सकती,
तो ये स्टैंडर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है. देखो तीन स्टैंडर्ड नोट कर लो, 12, 7, 9 फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट और 16. इसके बगैर कंपनी का सवाल ही नहीं बनेगा. दोबारा कहीं आई लिखे कहीं आई फारिश ना. यस सर. देखो अगर आई फारिश लिखा हुआ आ रहा है मेरी स्कूल लिस्ट में, इसका मतलब 2003 के बाद बना था. यूके और यूएस के डसल खत्म, इक्वली एक्सेप्टेबल इन द होल वर्ल्ड. सही है. और जब आई एफ आर एस आता है ना, उसके पीछे जो आई एस होता है खत्म हो जाता है. सही है. और अगर अभी भी किसी की जगह आई एस लिखा हुआ है, जैसे IS 36, IS 38, इसका मतलब है यूएस ने जो आई एस बनाए थे, यूके ने जो आई एस बनाए थे, वो यूएस में कंप्लीटली एक्सेप्टेबल, गैप को उसमें इतना सा भी कोई मसला नहीं. तो उन्होंने कहा सही है, फिर उसको आप नाम आई एस ही रख दो, उसका तो हमें भी कोई मसला नहीं. तो इसको भी हम कहेंगे दोनों ने मिलकर तय किया. तो जो आई एस स्टैंडर्ड आज तक चेंज नहीं हुए, इसका मतलब है दोनों अलाइन हो चुके हैं. और उन्होंने वैसे भी कहा था हम बिला वजह में चीज का नाम आई एफ आर एस नहीं रखेंगे, कोई वजह होगी तो बनाएंगे. सही है. इसका मतलब है आपको हैरत होगी, जैसे आई एस यू लिखा हुआ है इन्वेंट्री, आई एफ आर एस 2 भी है एस बी आर में, उसका तो नाम ही अलग है, शेयर बेस्ड पेमेंट. तो आप मिक्स नहीं करना, सिर्फ आई एस 2 है तो इन्वेंट्री है, लेकिन आई एफ आर एस 2 है तो वो शेयर बेस्ड पेमेंट है, दुनिया ही अलग है. सही, इसको मिक्स नहीं करना फिर. अच्छा जी, फिर चलो टैक्स की बात तो टैक्स में करेंगे. और आपके लिए जो टैक्स है ना, उसमें ये है टैक्स वालों की आपके अकाउंटिंग से बनती नहीं है, और फिर वो अपनी अकाउंटिंग को फॉलो करवाते हैं. F6 जब पढ़ोगे ना तो सबसे ज्यादा ही भरा हुआ उसमें. टैक्स वाले कुछ कह रहे हैं, हम अपनी अकाउंटिंग में कुछ कह रहे हैं. अब वो क्या हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा. वो कह रहे हैं हम 2 साल पे करते हैं, हम कह रहे हैं हम 4 साल पे करते हैं. सर कहते हैं हमारी बात मानो. इससे क्या होता है, टैक्स अलग अलग हो जाता है. वो कुछ कह रहे होते हैं, हम कुछ कह रहे होते हैं. तो फिर ये टैक्स का जो डिफरेंस है, इसको अकाउंटिंग में नोट किया जाता है. अब या तो वो डिफरेंस लायबिलिटी बनता है या वो एसेट बनता है. सोचो लॉजिकली, अगर हमने उनकी बात मान ली और ज्यादा टैक्स दे दिया तो फ्यूचर का मेरा क्या बनेगा, एसेट. सोचो लॉजिकली, इतना आसान जी बात है. और अगर आज उन्होंने कम ले लिया मुझसे टैक्स, तो फ्यूचर पे मुझ पे क्या आ रही, यही गेम खेलना है आपको. सही है. आसान है, मुश्किल नहीं है. अच्छा जी, कभी एसेट सेल किया है, प्रोसीजर पता है जी? एसेट सेल करने का प्रोसीजर पता है सर? उसकी वैल्यूएशन, हाँ फेयर वैल्यू. सही है. और इसके अलावा अवेलेबल होना चाहिए. और नहीं, वो तो स्टैंडर्ड में चले गए, छोड़ दो, अभी इनको स्टैंडर्ड का नहीं पता. नॉर्मली F3 तक एसेट को डिस्पोज कैसे करते हैं सर? उसकी नेट बुक वैल्यू निकाली. गुड, सुन लिया. सबसे पहले उस एसेट की नेट बुक वैल्यू निकाली, ऐसे ही होता है ना. नेट बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे सेल प्रोसीड से, ये पैसा कितना है. यस सर. उस पे डिसाइड करेंगे गेन. फेयर वैल्यू लॉस कितना आसान था, 2 नंबर मिल जाते थे. सही है. अब नहीं, बड़े हो गए. वो कहते हैं जैसे ही बेचने का डिसीजन लिया डायरेक्टर्स, तो स्टैंडर्ड चेंज हो गया. कैसे? इंटेंशन टू यूज वाली चीज इंटेंशन टू सेल हो गई. फर्क है. कहते हैं नया स्टैंडर्ड, 16 से सेल नहीं होगी, 66 से चलेगी. सेल करना है IFRS 5 में जाओ. नाम क्या रखा है, हेल्ड फॉर सेलर्स, बेचने के लिए रखें. तो क्या जिंदगी भर बेचने के लिए रखें? जितना जल्दी हो सके क्या करो उसको हटाओ. इसका मतलब है कि एक दूसरा ऑप्शनल स्टैंडर्ड आपके लिस्ट में आ गया. ये सिर्फ उस वक्त एक्टिव होता है जब कुछ बेचने की नियत होती है. ये बुक्स में आ जाता है, अपनी अकाउंटिंग करता है परफॉर्म, बेचते ही खत्म, इसका काम खत्म हो गया. सही. अब हम वैसे नहीं बेचेंगे चीजें, जैसे कि अपने घर की चीजें बेचते हैं ना, कि OLX पे लगाया हुआ मोबाइल सेल. उसने पूछा कब देखने हो, मैंने अभी नहीं हो, मैं तो यूज कर. ये कैसी सेल है, कभी जिंदगी में सुना है जो AC बेचने के लिए रखा वो इस्तेमाल होता है? गाड़ी लगा रहे हो OLX पे कि गाड़ी सेल के लिए, उससे बोले मैं कब आऊँ देखने के लिए, इस हफ्ते नहीं आना मेरे, मैं बुक. मैंने तो एसेट वही इस्तेमाल करता हूँ. मैंने कहा ये कैसे हो सकता है भाई. अकाउंटिंग का पहला रूल, हाँ अकाउंटिंग का पहला रूल, अगर आपने मीटिंग में ये डिसाइड कर लिया कि अब ये मशीन नहीं इस्तेमाल करनी, अब आपको उसको लगाना है ताला, बिल्कुल बंद कर देना. ठीक. और फिर देना है इसका एड.
ताकि एड देते ही कोई पार्टी आके बोले भाई आई एम इंटरेस्टेड, तो हम ये ना बोल रहे हो अभी तो वो चल रही है, अभी तो उसमें मशीन में प्लांट में चीजें बन गई, चाहिए तो तुम सैलरी भी लगाया कर तुम। अकाउंटिंग के रूल बहुत सख्त है, सोल्डर बन जाओ बेस्ट, चलाते रहो बिड लगाते रहो, चलाते रहो बिड लगाते रहो, चलाते रहो मालूम करते रहो, और बेचो ही नहीं, ये चला के नहीं चलेंगे अकाउंटिंग करता। इसकी वजह वो कहता है जब IFRS 5 में चले जाते हो ना बेचने की नीयत में तो डेप्रिसिएशन नहीं कर सकते, और बात लॉजिकल है, जो चीज चलेगी वो क्या होगी और जो चलेगी नहीं, बात तो सही है। अच्छा वो डेप्रिसिएशन अब किसका राइट है पता, खरीदने वाले, गलत बात है ना। देखो आप चला भी रहे हो बेच भी रहे हो, गलत बात है, आप उसको स्टॉप करो, जो बायर आएगा उसको बेच दो, क्योंकि अब रिमेनिंग लाइफ का हकदार तो वही है। अब आप उस एसेट से आखिरी दफा क्या उठाने वाले हो, जिंदगी का आखिरी फायदा उठाने वाले हो या लॉस उठाने, अब इससे कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं, जीरो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं, इसीलिए अकाउंटिंग ने कहा 5 में रखो उसको, सही है। IAS 8:10 के साथ है, एक साथ पढ़ेंगे इसको, इसमें अकाउंटिंग पॉलिसी प्रोसीजर एस्टिमेट्स की बातें होती है। IAS 33 ये ऐसा स्टैंडर्ड है, अर्निंग पर शेयर आज कहोगे इस्तेमाल स्टार्ट करने के लिए आज स्टार्ट कर देंगे, कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं चाहिए, और अगर आखिर में पढ़े तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसा स्टैंडर्ड है क्योंकि ये है शेयर होल्डर के लिए, शेयर होल्डर कंपनी में नहीं होता पता है ना, वोटिंग के लिए होता है, बस वोटिंग करने आता है, उसके लिए EPS निकाल के दिखाना होता है, ये डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि उसको EPS हर साल निकाल के दिखा, देख लो भाई तुम्हारी ये वैल्यू चल रही। अब एक बात बताओ, अर्निंग पर शेयर निकालने की बातें करते हैं, अर्निंग पर शेयर ये कब निकलता है, जब सारे अकाउंट्स ऑडिट हो चुके हों, कैश फ्लो बन बिल्कुल खत्म, सब चीजें बन गई, अब एक फॉर्मूला लगता है छोटा सा, उससे उसकी EPS आ जाती है। इसीलिए ये स्टैंडर्ड अकाउंटिंग में ना इसमें एंट्री है, ना इसकी कोई बैलेंस शीट है, ना इसकी कोई इनकम स्टेटमेंट है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, कुछ भी नहीं है इसका, ये डिस्क्लोजर है असल में। IAS 33 डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर क्या होता है पता है अकाउंटिंग में, बताना है, अगर नहीं बताओगे तो फेयर व्यू खत्म हो जाएगा, गलत नहीं है बताना चाहिए, नहीं बता रहे तो अकाउंटिंग बिल्कुल सही है तुम्हारी, लेकिन तुम जो है ना वो मतलब बहुत अच्छी कंपनी नहीं होगी अपनी, बहुत सही चीजें बताते नहीं मुझे, तो इसीलिए EPS शेयर होल्डर को पसंद होता है। कंपनी का डायरेक्टर कहता है हेक्टिक काम है, मुझे क्या फायदा होगा इससे, इवन कंपनी को कौन सी वैल्यू मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता कंपनी। अच्छा रे, रेवेन्यू के टाइप्स गिनवाओ जल्दी से, आज तक जिंदगी में जो रेवेन्यू सोचे आप, ऐसे भी कमाते हैं ऐसे भी कमाते हैं, सोचो करो ऐसे एक लम्हे के लिए, मतलब रेवेन्यू टाइप्स वाला क्या चीज, रेवेन्यू से क्या पूछना, जितने तरह का रेवेन्यू दुनिया में कमा सकते हो जरा उसके बारे में बताओ, इसको ट्रेडिंग कहते हैं, सही, और बताओ रेंटल, दो सर्विसेज, तीन हो, पैसे कमाने का एक तरीका है सेल परचेज, रेंट, सर्विसेज, और बताओ इंटरेस्ट, चाहिए बैंकिंग इंटरेस्ट, चार हो गए, और सोचो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड में चले आएगी, मैन्युफैक्चर होगी बिक जाएगी, सही, और वैसे भी मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है F5, तो सर से बात, हम तो ट्रेडिंग पढ़ते हैं हिसाब से, और बताओ इतनी लंबी लिस्ट है, सर पकड़ लें सर, पैसे कमाने की इतने रास्ते खुल चुके हैं, शेयर होल्डर डिविडेंड कमाता है रेवेन्यू, कुछ लोग कमीशन पे काम करते हैं एजेंट रेवेन्यू, कुछ लोग रॉयल्टी पे काम करते हैं रेवेन्यू, सब्सक्रिप्शन पे काम करते हैं रेवेन्यू, सही, और सर्विसेज, वारंटी, इंश्योरेंस कंपनीज, मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनीज, नेटवर्क कंपनीज, जबरदस्त फैला हुआ है, सही। इन्होंने क्या खराबी की, 2018 के अंदर 4 स्टैंडर्ड होते थे अलग अलग रेवेन्यू के, इन्होंने उनको मर्ज कर दिया, तो ये स्टैंडर्ड बन गया एक जेन स्टैंडर्ड, हर कह रहे हैं भाई रेवेन्यू अलग अलग क्यों पड़ रहे, रिसर्च की 15 से शुरू हुई रिसर्च, 3 साल लगे इस स्टैंडर्ड के अंदर, असल में जब स्टैंडर्ड चेंज होता है ना, जितनी भी मेंबर कंट्रीज होती हैं, पाकिस्तान भी है, सब लोग ये जाके अपने व्यूज देते हैं IAS+ की वेबसाइट पर, वो जाके फिर उसमें एक्सपोजर ड्राफ्ट बनता है, फिर कहते हैं नहीं सर ये सही नहीं है वो सही नहीं है, ऐसे चलता रहता है, इतना साल लग गया इसको बनने में, फिर 18 के बाद से जब से एनएक्ट हुआ 2023 चल रहा है,
इसका नाम रख दिया गया IFRS 15। देखो ये अमेंड हुआ ना, इसका नाम 18 था, IAS 18। अब नाम क्या है? IFRS 15। और इसका नाम सिर्फ रेवेन्यू नहीं है, नाम भी बढ़ा दिया, रेवेन्यू फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कस्टमर, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर, नाम बड़ा नाम रख दिया इसका। तो ये बहुत बड़ा स्टैंडर्ड हो गया, कम से कम भी क्लासेस लेते हैं तो 2-3 दिन खा जाता है अकेला असाइनमेंट। और पेपर में इसका वेटेज कभी आता है कभी नहीं था, उसका रीजन ये है वैरायटी इतनी है कि कभी देता है कभी नहीं देता। अच्छा, इज इट पॉसिबल कि गवर्नमेंट से हेल्प ली? यस सर। अब हेल्प में अगर ब्रीच हो गया तो क्या हुआ, केस फेस तो नहीं जाएगा? ये एक सवाल है। हेल्प में से क्या हुआ, ब्रीच? हाँ, ब्रीच का मतलब है कोई रूल तोड़ दिया गवर्नमेंट, इसका मतलब है अगर ब्रीच के साथ है तो स्टैंडर्ड का है, और अगर कोई एड है, एड और ग्रांट में फर्क समझ लो, सही है, बाकी स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। एड क्या होती है? मदद जो फकीर की तरह की जाती, जो वापस नहीं मांगे, और ग्रांट के साथ पीछे ब्रीच के कॉन्ट्रैक्ट लिखे हो, यूं किया तो वापस कर देना, यूं किया तो ऐसा कर देंगे, यूं किया तो वैसा कर देंगे, लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, शर्त लगाएंगे। शर्तों के साथ सवाल वो होता है IS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स चाहिए, और कोई शर्त नहीं है तो भाई इसमें नहीं आएगा, वो तो फिर गई। तो हम एड नहीं पढ़ेंगे, हम ग्रांट पढ़ेंगे, चाहिए। एड का मतलब होता है मदद करना, और मदद वापस नहीं होती, लेकिन यहाँ पर अगर आपने कोई ब्रीच किया ना तो एसेट समेत पैसे निकलवा लेंगे, जब से लाइसेंस वैसे भी कंसिडर करवा देंगे। एड डिस्क्लोज होगी, एड डिस्क्लोज, अदर इनकम, और नो अकाउंटेबिलिटी। देखो पाकिस्तान स्लैब का इंतजार क्यों करता है, ग्रांट के लिए थोड़ी करता है, क्या हो गया, एड के लिए करता है, समझ में आ गया, हल्के के समझ में आ रहा है। कहते ना इस बार सिंध हुकूमत को बहुत नुकसान हुआ, वो बीजर क्या नाम है उसका, अब वो नहीं आया ना, वो जो वो सैलाब था नहीं आया ना, वो उधर टन कर गया, वो तो सिंध हुकूमत को बहुत नुकसान हुआ, जलजला ना आने पर नुकसान हो गया, तो एड रह गई। एड आती, फॉरेन एड आती, चाइना से एड आती, US से एड आती, फिर इनको मजे आते। तो जलजला आया था, बल्कि फ्लड आया था, कमाया, और तुर्की में जलजला आया तो वो वापस भी, हाँ पूरी दुनिया में एम्बेरसमेंट हो गई, कम अज कम टैग ही चेंज कर देते, किसी और पैकिंग में देते, पाकिस्तानी पैकिंग में देते, भाई यूं ही आया तुर्की से, तुर्की को दे दिया। हाँ वो कह रही ये क्या किया तुमने, इसका मतलब है तुमने अपने लोगों को भी नहीं दिया। इतना सा जलजला कब आया, उनके बाद अर्थक्वेक अभी आया कुछ दिनों पहले, और हमारे क्राइसिस काफी दिन पहले आए थे, आपने दिया ही नहीं, गुड फेथ पे आपने दिया, चलो मान लिया कि आपको फर्दर कोई यहाँ से कोई पैसा वैसा मिल जाएगा, लेकिन ये क्या किया आपने, गलत बात, एम्बेरसमेंट। इसका मतलब है हमारी एड जो है ना, इनका फ्यूल है, फ्यूल, तो ये पूरी कोशिश करते हैं जब तक कि लोग मर ना जाएं और पानी में डूब ना जाएं, और जब तक लोगों को तरस ना आ जाए और एहसान ना कर दें, तो नहीं नहीं अभी नहीं, बड़ा डेंजरस है। अच्छा ऐसा हो सकता है आपके कोर्स में कि रॉ मटेरियल बाहर से आ, या बाहर से कोई लोन वोन ले लिया। अब मैं पाकिस्तान में हूँ, मेरे पास तो रुपीस लिखा और जो इनवॉइस है उस पर डॉलर लिखा हुआ है, और मुझे पेमेंट भी किसमें करनी है, डॉलर में, वो तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमारी करेंसी, वो कहेंगे गार्बेज क्यों रखे हम भाई, अपनी करेंसी लेंगे वापस। ऐसी सूरत में जब मुझे अपने मुल्क में एंट्री पास करनी होती है तो मुझे क्या चाहिए, वो अमाउंट जो मेरे करेंसी के हिसाब से, यहाँ पे बीच में आ जाता है ये फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेक्स रेट क्या होता है पता है ना, फॉरेन करेंसी का जो रेट होता है ये बीच में आ जाएगा, और पाकिस्तान में तो बहुत आता है, क्योंकि हमने जो करेंसी रखी हुई ना, दुनिया की सबसे बर्बाद स्ट्रैटेजी है, इसको कहते हैं फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, पाकिस्तान में लगी, वरना दूसरी दुनिया में वो लगी हुई है मैनेज या फिक्स। मैनेज और फिक्स अच्छे मुल्कों में होगी, और हमारे मुल्क में लगी हुई फ्री फ्लोटिंग। अच्छा ये क्या होती है सर, सुबह उठो कोई और रेट, दोपहर का नहीं पता, कल का भी नहीं पता, इसको कहते हैं फ्री फ्लोटिंग। एक बताओ बिजनेसमैन कैसे करेगा बिजनेस अगर उसको यही नहीं पता कि पेमेंट वाले दिन क्या होने वाला है, या पैसे आने वाले दिन क्या होने वाला है मेरे साथ। तो इस करेंसी के स्टैंडर्ड को बीच में लाया जाता है उन मुल्कों में जहां फ्री फ्लोटिंग लगाओ,
सोचो जिस मुल्क में फिक्स लगा होगा ये स्टैंडर्ड तो खत्म हुआ करके, हाईएस्ट 21 यूज नहीं होता उसमें, टू यूज होगा। जिस रेट पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ पेमेंट भी उसी रेट पे होनी है ना भाई, कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ, तो किस बात का करेंसी, इसके स्टैंडर्ड का मकसद है करेंसी का लॉस और गेन। इस स्टैंडर्ड को दुनिया में क्यों बनाया कि जब एक मुल्क दूसरे मुल्क से डील करेगा तो जब पेमेंट कर रहा होगा तो हो सकता है रेट क्या हो गया हो, जब पैसे आते वक्त रेट क्या हो गया हो सकता है चेंज, तो इन मुल्कों को लॉस और गेन हो, सही है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए बनाया और इसका कोई मकसद। लेकिन सोचो कितना अच्छा मुल्क होगा, जैसे यूरोप है, यूरोप में जब एक मुल्क दूसरे मुल्क को सेल करता है ना तो बीच में करेंसी नहीं आती, द रीजन बिहाइंड वो दोनों यूरो, यूरोपियन कंट्रीज है 29, वो जब आपस में ट्रेड करते हैं ना तो वो उसको यूरो देता है अपनी प्रोडक्ट के लिए और वो भी उसको पेमेंट यूरो में ही करता, तो उनकी पूरी यूरोप की ग्लोबली जो है ना बड़ी वैल्यू बनती। जैसे इंटरनेशनल करेंसी डॉलर हुई भी है, कुछ मुल्कों ने ऐसा किया, हमने अभी तक इतने फास्ट नहीं हुए कि हमारी शॉप पे क्या चलना शुरू हो जाए डॉलर, लेकिन श्रीलंका एक टूरिस्ट स्टेट था ना, वहां पे शॉप के ऊपर क्या चल जाता था, डॉलर्स पॉन्ड्स यूरोस, हैरत की बात थी, बेइज्जती भी हुई थी, अपनी करेंसी थी तो मना कर दिया उन्होंने, पाकिस्तानी करेंसी चलानी कोशिश की हमने एसीसी कन्वोकेशन के चक्कर में, नहीं चली, डॉलर दिए चल गए, जबकि करेंसी श्रीलंका की पाकिस्तान से कभी अच्छी नहीं रही, हमेशा नीचे हो गया, और अब तो जब से बैंकक्रप्ट हो बिल्कुल मुल्क भी करप्ट हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया और नीचे से गया। तो करेंसी का सर आपके कोर्स में सिर्फ कितना दिया है उन्होंने कि छोटी मोटी ट्रांजेक्शन, लोन ले लिया, पेमेंट कर दी, पैसे आ गए, कमीशन आ गया, बस। एसबीआर दूसरे मुल्क की कंपनी को कंसोलिडेट कर लिया, खतरनाक बात, वो चल रही थी पॉन्ड में, मैंने यहां से खरीद लिया, कंट्रोल ले लिया, मैं चल रहा था दराम्स में, पैसा था मेरे पास, मैंने खरीद ली। अब जब कंसोलिडेशन होगा तो रूल क्या है, सेम करेंसी, मसला है दो करेंसी मैच नहीं हो सकती, पहले कन्वर्ट होंगी, तो कन्वर्जन के सारे स्टेप्स एसबीआर में रखे हुए हैं, सिंगल करेंसी के मसले एफआर में रखे, सही है। देखो यहाँ पर ये सेक्शन क्या हो गया, एंड हो गया, आप गौर से देखो उसमें कितने स्टैंडर्ड्स मैंने हल्के फुल्के दिमाग में डाले आपके भी ना, तो तीन ये हो गए, चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह अट्ठारह 18 स्टैंडर्ड्स तो ये हो गए, और यही आपकी पास और फेल डिसाइड करें, क्योंकि इसी से बनेगा एमसीक्यू, यही एडजस्टमेंट बन के आएंगे कंपनी में, लेकिन सारे नहीं आएंगे, मैं बता दूंगा कौन कौन से आएंगे, और यही हेल्प करेंगे कंसोलिडेशन, और यही हेल्प करेंगे अच्छी रिपोर्ट लिखने में, जैसे स्टूडेंट की स्टैंडर्ड्स पे ग्रिप होगी ना, वो रिपोर्ट में अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखेगा, उसके बाद उसको मार्क्स मिलेंगे। रिपोर्ट लिखना बच्चे समझते हैं बड़ा हार्ड काम है सर, मैंने कहा तो देखो अच्छा आसान काम है, आपको वैलिड रीजन देना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, जैसा सवाल वैसा सॉल्यूशन, तो रेशो की रिपोर्ट कोई भी स्टूडेंट अट्टे नहीं लगा सकता दुनिया में, साफ सी बात। इसके बाद जो स्टैंडर्ड है वो ये लिखे हुए, IS-1 प्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड है, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट जो है ना, देखो IS-1 जो है ना ये प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड है, इसका भी अपडेट वर्जन आ गया, उसका नाम है IFRS-1, सही है, वो ज्यादा एडवांस है, ये प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दोनों का एक ही मकसद है, और IS-7 कैश फ्लो है, सही है, कैश फ्लो का स्टेटमेंट है, और ये 3, 10 और 12 क्यों लिखे हुए हैं, ये तीनों कंसोलिडेशन से हेल्प करते हैं। 3 में गुडविल की कैलकुलेशन आती है, 10 खुद से कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड है, और 12 में एसोसिएट, तो याद होगा शायद F3 में थोड़ा बहुत कि एसोसिएट पढ़ा था, बहुत हल्का बस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाला गेम है सारा उसमें ना, और 10 बेसिकली कंट्रोल आता है इससे आदमी, और 3 गुडविल के लिए, गुडविल को IS-38 से निकाल दिया गया और यहाँ से अलग से स्टैंडर्ड बना दिया, उसका सिर्फ एक वादा है, अगर कोई पूछे ना आपसे गुडविल की लाइफ नहीं होती, बाकी सारे इंटेंजिबल्स की लाइफ होती, दुनिया का वाहिद इंटेंजिबल है जिसकी लाइफ ही नहीं होती, उन्होंने कहा इसको अलग करो, है तो इंटेंजिबल लेकिन उसको IFRS-3 में यूज करो, बिजनेस कॉम्बिनेशन के साथ, चाहिए तो जब एक कंपनी दूसरी को खरीदती है तो या तो गुडविल के पैसे देती है या तो कम पैसे देती है, आपने जितना भी पढ़ा होगा कंसोलिडेशन में गुडविल निकलती थी, लेकिन कभी कभी नहीं भी निकलती, उसको फिर हम नेगेटिव गुडविल कहते हैं, नेगेटिव गुडविल कंपनी अच्छी होती है,
किस सेंस में सस्ती पड़ गई, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती है। हाँ नाम खराब है तभी तो सस्ती मिल रही, लेकिन मेरा नाम जब उसके साथ जुड़ जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि मैं इसको ऊपर ले जाऊँ, तो उस कंपनी को भी उम्मीद है कि अगर इनके साथ हमारा नाम जुड़ता है तो हम ऊपर निकल गए, तो वो हमें सस्ते में क्या कर देती है, सेल कर देती है। इसका हमने नाम रखा है नेगेटिव गुड, इट्स अ रिवॉर्ड टू द पेरेंट कंपनी। ठीक है, और वैसे भी पूरी किट में एक भी सवाल नेगेटिव गुडविल का है नहीं, मैं तो प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जब कंपनी में जाओगे तो पता तो हो कि भाई नेगेटिव गुडविल क्या क्या भला होती है। और कोई चीज़, ये सिलेबस है भाई आपका, अब चलेंगे हम जो ना IS 2 से लेके छोटा सा स्टैंडर्ड है, थोड़ा सा ग्रिप भी होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर हम जाएंगे हल्के हल्के 16। PCHS के स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था कि सर अभी ईद आने वाली है, तो अगर छोटे छोटे स्टैंडर्ड जिससे हमारी ग्रिप भी बनती रहे और बड़ा स्टैंडर्ड हम शुरू करें ईद के फुल फ्लैश। मैंने कहा सर ये मर्जी है, क्योंकि कंटिन्यूटी टूटेगी ना, कंटिन्यू टूटेगी फिर टूट जाएगी। तो फिर मेरा ये ख्याल था कि उनकी बात शायद वैलिड भी थी, क्योंकि एक हफ्ता तो रह गया, एक हफ्ते और क्लास होगी, आज इस हफ्ते होगी अगले हफ्ते होगी, तो उसमें हम छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स निकाल सकते आसान आसान। सर शेड्यूल क्या होगा? देखो 3 दिन तो पक्के हैं, पीर मंगल को एक बार, संडेज को मैं बुलाऊंगा लेकिन ईद के बाद, अगर हो सका तो कोई चौथा दिन ऐसी वीकडेज में रखेंगे, तो फिर संडे को नहीं आना होगा। मतलब आप जैन बना लें 4 क्लासेस आएंगे वीक में। सही है, टाइमिंग जो है ना वो आज की 3:30 बजे की थी, कल से 2:30 बजे से 2:30 से 5:30, 3 घंटे उसमें आधे घंटे का ब्रेक होता है। आज मैंने वैसे ही जल्दी छोड़ने का मूड था, ये ओरिएंटेशन क्लास है ना, असल में कोई स्टैंडर्ड पढ़ाने का बिल्कुल मूड नहीं, सिर्फ बातें करके ये कन्फर्म करना था कि जरा वो क्लियर कर लूँ कि कहाँ फंसते हो, क्या वीकनेसेस हैं, पता चला क्लास स्टार्ट हो गई। फिर देखो फीस दिए बगैर तो कोई नहीं आया ना, सबने दिए ना फीस, तो सवाल करना आपका काम है। सही है, और शाइनेस जो ना घर पे रख के आओ, पेपर क्लियर करना है हर सूरत में, फास्ट अटेम्प्ट में और 80s के अंदर आराम से क्लियर हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस थोड़ा सा ख्याल रखो, घर पे जाके जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ लो, मेरे लिए बहुत, कोई एक्स्ट्रा कर रहा है बहुत अच्छी बात, नहीं कर रहा कोई बात नहीं, जितना कह रहा हूँ वही कर लो। मतलब कहते रहो, आज से 5 साल पहले पढ़ाने का स्टाइल और आज के पढ़ाने का स्टाइल में बहुत फर्क हो गया। असल में हमारे पास इतने सारे काम हैं, अंडे डबल रोटी है, दूध ब्रेड है, हम घर वाले हमसे तो मंगाते हैं सर, बिजी होते हैं हम, इतना देर तो सोशलाइजेशन में निकल जाती है, पढ़ेंगे कब, वो भी जरूरी है सर अपडेट करना। मैंने कहा सही है, इसके साथ भी पढ़ाई हो सकती अगर अगर चाहो तो इनकेस। वो कौन से देखो किट दोनों, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करो उतना अच्छा, बुक मर्जी आप, कोई बॉन्डिंग नहीं है। अगर अच्छा बुरा पूछोगे तो फिर फेवरिज्म आ जाएगा, बीबीबी बेस्ट बेहतरीन। थ्योरी लिखने में बहुत आला, इससे आपको फायदा होगा ऑडिट में, थ्योरी है पूरा, टैक्स में अच्छी खासी थ्योरी है, SBL में थ्योरी है, तो थ्योरी लिखने के मामले में कंजूस नहीं है, कैपलन थोड़ा कंजूस है, साफ सी बात है, इतना बड़ा फॉन्ट एक पेज पे काम की बात, पेज पलट दो पीछे का पेज खाली, कह रहे भाई कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट पेज, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, इतनी मोटी बुक बनाना, PPP आखिर लाइन खाली क्यों है, कोई काम की बात बच्चे को बताया तो इसमें तो बोर होता है बच्चा थोड़ा सा ना, लेकिन PPP लिखता बहुत क्या, वरना गलत दोनों किताबें नहीं है, बहुत सही है, लेकिन टू द पॉइंट और डिटेल में फर्क होता है। डिटेल लॉन्च कर रहा है जुलाई में, 25 हाँ तो कर दे, हाँ तो सिलेबस भले लॉन्च कर दू, फर्स्ट टाइम होगा हिस्ट्री में, वरना तो ये दोनों तो ट्यूटर्स है ना, बीबीबी के आप नाम तो क्योंकि ट्यूटर्स है, उनकी किताबें बड़ी अच्छी है तो ये ब्लाइंड फॉलो होती है, वरना ट्यूटर तो बहुत सारे हैं भाई, अगर आप जाए ना मार्केट में तो लंडन एक्सो अकाउंटेंसी इनकी किताबें हैं जबरदस्त किस्म की, वो यहाँ आती नहीं है, अलग बात है महंगी बहुत है, और ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं है कि अपना वो चाहते हैं, देखो तो सॉफ्ट कॉपी भी आ गई, मैं भेज दूंगा ग्रुप बन जाए, मैं आपको सारी बुक्स भेज दूँ,
और रोजाना के रोजाना जो है सारी फाइल्स बन। तो मेरा मशवरा ये है कंसंट्रेट ऑन द कॉन्सेप्ट, और जो लिखने का काम है अच्छा यहाँ लिखने वाला चाह रहा है मुझे कोई मसला नहीं, मैं वेट करूँ, क्योंकि कुछ लोगों को अपनी राइटिंग पसंद होती है, उनको जल्दी क्लिक कर दी लिखो कोई मसला नहीं। और जिनको ये कह के मैं समझ लूंगा फाइल सर सेंड कर देंगे मैं उसको देख लूंगा घर में पढ़ी तो रहेगी वैसे। अब पूछो तुम क्या पूछा सर? वो मैं टाइमिंग का फिर से पूछ रहा था। 2:30 ऐसे सर ठीक है। अब करो सवाल, ये आखिरी 15-20 मिनट 5:30 बजे ऑफ करो। मैं हैंड आउट दूंगा आपको, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये इतना भारी होता है बुक क्यों पढ़ो, मैंने कहा फिर भी बुक पढ़ो, अगर मेरे सब चीजें करने के बाद अगर 80 आ रहे होंगे ना तो बुक पढ़ने के कॉन्फिडेंस से 90 आएंगे देख लेंगे। अलग ही बात होती है भाई कि मैंने स्टडी टेक्स्ट पढ़ा, भले अगर नहीं पढ़ने का मूड हो ना तो उसकी समरी होती है, और हर वीक के बीच में ना कीवर्ड फास्ट फॉरवर्ड पॉइंट टू नोट की स्टेप्स एटलीस्ट वो तो पढ़ो एग्जामिनर जो दे रहा है, क्योंकि बुक पढ़ने का तो बात ही अलग, भले तुम्हें बोर हो रहा हो उसमें कैसे नहीं उसको बुक पढ़ने का तरीका सुन लो, पहले क्लास में ढंग से पढ़ो सही है, फिर हैंडआउट पढ़ेंगे, फिर एमसीक्यूज करेंगे, फिर किट करेंगे। अब ये हो गया स्टैंडर्ड खत्म, अब घर जाएंगे सोफे पे लेटेंगे टेक लगाएंगे चैप्टर खोलेंगे जल्दी जल्दी पढ़ते हुए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि रुक रहे बाद तो क्या कहेंगे अपने आप से पढ़ लिया था पढ़ लिया था पढ़ लिया था, ये बात क्या थी तो सर ने नहीं बताई, हाईलाइट अगले दिन कौन आए क्लास में सर ये तो समझ में नहीं आया मुझे क्या है समझ में। तो जितनी नीली पीली हरी किताब होती है ना बेस्ट फायदा हो गया वाला, वो पहले भी साफ थी और आखिर में भी साफ है, किसी को डोनेट कर दो तो तुम्हें साफ करनी थी सीधी सी बात है और क्या, और कोई चीज देखो जो भी चीज अगर लग रहा हो ना कि सर ये समझ में नहीं आई या तेज हो गई आपको रोकना, क्योंकि हर क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं सर समझ में आ गए, आप कह रहे हैं अगर मैंने पूछा तो बोलेंगे सबको समझ में आ गया और मुझे समझ में नहीं आया, मैं तो एक डफर स्टूडेंट हूँ, सब तो इतने अच्छे स्टूडेंट हैं। मैंने कहा भाई देखो पैसे दे के नहीं आया ना तो फिर तो सही है, लेकिन अगर पैसे बर्बाद करने के लिए तो बेवकूफ़ी है, बहुत आप 25 दफा पूछो ना क्या हो गया सीरियसली और क्या, इसमें शर्माने की कौन सी बात है सर, नहीं कराऊंगा मैं क्लास में कराऊंगा लैब में, हर वीक नहीं होगी देखो कम से कम 8-9 स्टैंडर्ड्स पे तो जाएंगे पहले, तो मुझे पता है कंपनी अकाउंट्स के अंदर एडजस्टमेंट में कौन से स्टैंडर्ड पूछता है तो पहले मैं वही 8 उठाऊंगा, उसके बाद हमारी क्लासेस होंगी लैब में सही है, 2-3 सवाल कराने के बाद मैं आपको 2-3 उस जैसे सवाल दूंगा जो आप घर से करके लाओ सही है, और आप अपना टाइम नोट करवाओगे मुझे कि मैंने ट्राई किया था मुझसे इतनी देर में हुआ, फिर मैं पूछूंगा कहाँ फंसे गलती कितनी हुई, अच्छा ये गलती माइनर थी मेजर थी, या अपने आप से स्टूडेंट कहते हैं सर मेरी ब्लंडर थी मैं समझा ही नहीं इसको, मतलब मुझे पता था स्टैंडर्ड क्या कह रहा है लेकिन मैं डेट पढ़ना भूल गया था, क्या मैंने इसकी ई लाइन नहीं पढ़ी थी, तो ये तो फिर थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा ना इसमें, तो इसका मतलब आपका स्टैंडर्ड वीक नहीं है आप थोड़े जल्दबाज हैं जल्दी जल्दी पढ़ के निकल जाते हैं, तो कोशिश करो 3 बातें तो मैंने आपको पहली बता दी, एयर को देखना SOCI पूछ रहा है SOFP पूछ रहा है कौन सा स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड देखते ही अच्छी बात बता दूं पेपर में अच्छा कर रहा है मेरे हिसाब से, तो कहता है एज पर IS-16 प्रॉपर्टी प्लांट पर, मैंने इसी से समझ लो भाई कि अब जो MCQ आगे पूछने वाला है उसमें मेरा जो दिमाग है ना इसी में घूमना चाहिए, ये बड़ी ये अच्छी बात है इसी से वो बता रहा है सही है, एडजस्टमेंट में भी बड़ी अच्छी बातें हैं इसकी, एक एडजस्टमेंट खत्म करके जब दूसरे पे जाता है ना तो पहले वाले से दूसरे का लिंक नहीं होता, CA की तरह नहीं है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी CA तो खतरनाक है बिल्कुल, आखिर में जाके लिखिएगा नो रेजिडुअल वैल्यू, मैं ढूंढ रहा हूँ पूरे सवाल में या रेजिडुअल वैल्यू है मैं सॉल्व करके आगे, तो ये नहीं होता इसमें, ACCA की अच्छी बात ये है वो कहता है एडजस्टमेंट का पैराग्राफ खत्म खत्म अब दूसरी बात होगी, और ऐसे सवाल दिखाऊंगा जहां पे उसको पता है इस पैराग्राफ का लिंक 6 पॉइंट से भी है, लिखता है ऑल्सो कंसिडर 0.6 अच्छा है बुरा है, और बोले और क्या करूं पास करने के लिए, वो ये भी बोलता है
पूरा तो बता रहा हूँ क्लियर, और भी टेस्ट बताऊंगा कौन से सवाल का स्टैंडर्ड पेपर में आ गया कंपनी अकाउंट्स में, उसकी हिंट होती है। मतलब मेरा जो सवाल आया 20 नंबर का उसमें कौन से स्टैंडर्ड्स आ गए, ये ट्रायल बैलेंस से देखते बदल जाता, अभी तो एक एडजस्टमेंट भी नहीं पड़ता एक, लेकिन पता चल जाता है उससे, तो क्लास में चलते रहेगा तो पता चलते रहेगा आपको, बिल्कुल मिलेंगे करके लाऊंगा सही है। असाइनमेंट जो दूंगा ना उसको सॉल्यूशन भेज दूंगा बाद, मतलब पहले दूंगा करने के लिए, कर लोगे तो अगले दिन चेक करूंगा सही। और कोई सवाल जन में तो पूछ, ग्रुप बन गया नहीं वो तो शो बनेगा सही, तो सब अपने नंबर ऐड कराओगे तो ग्रुप बन जाएगा, मुझे कन्फर्म हो जाएगा तो मैं सारी बुक्स वगैरह सेंड कर दूंगा, ये आज की चीज़ें भी सेंड कर सही। कोई सवाल है तो पूछ लो, अभी आपके पास 14 मिनट और, ऑफ भी कर सकते हैं कोई टेंशन नहीं। ACCA के पोर्टल में नहीं, चैपलान किट होती है, बीबीबी किट होती है, फिर उसके बाद काफी अरसे के बाद उनके पेपर्स पे जा सकते हो, अभी नहीं जाने का फायदा। उनके पास ना ACCA के 3 पेपर पड़े हुए, ACCA पे और ACCA ग्लोबल, ACCA इंग्लैंड, इन सब के पास पेपर पड़े प्रैक्टिस के लिए मटीरियल। हाँ किसका देखो, F4 लेना तो बहुत अच्छा है, लेकिन F4 एक क्योंकि ऑन डिमांड पेपर है, तो अगर कभी ऐसा हो कि तैयारी करने में थोड़ा लेट हो रहा हो तो इसको प्रेफर करना पड़ेगा, तो आगे पीछे भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो लोग F9 के बाद भी देते हैं। अजीब चीज़ सी बात है, अजीब लोगों ने बना लिया, जबकि उसको पहले देना चाहिए, निपटाओ तैयारी करो। अरे ऐसा स्टूडेंट था मेरा प्रोफेशनल के बाद पागल हो गया, जब ऑन उसको बोल ही नहीं रहे F4 तो होना चाहिए था भाई, सीधी सी बात है, उसको थोड़ा सख्ती करते भाई, F9 तक तो चलो सामने आता है, प्रोफेशनल में कैसे अलाउ कर दिया उसको तुमने। वो उसकी रीजन ये सोचते होंगे, देयर इज नो लिंक of this paper to other papers. तो हम क्यों 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 सख्ती करें, ये एक लॉजिकल बात बनती है सही ना। मतलब F7 दिए बगैर SBR में नहीं बिठाना समझ में आता, लेकिन वो कह रहे हैं F4 दिए बगैर F7 में मना कर देना, ये समझ में नहीं आता क्या, क्योंकि जब लिंक ही नहीं है कोई एक सवाल उसमें से लिंक नहीं होता, तो वो कहते हैं भाई जब ऑन डिमांड है तो उसको जबरदस्ती नहीं करो बच्चे से, और उनकी बात एक हद तक क्या है सही। अभी बच्चा कह रहा है मैं रिलैक्स होकर देना चाह रहा हूँ, जरा कुछ स्किल्स के एक आध बड़े पेपर निकाल दूं, कॉन्फिडेंस लेवल ये तो मैं दे ही दूंगा सही। और जब से वो CB बेस हुआ तो उसका पासिंग रेशो अच्छा है, क्या ख्याल है F4 का पासिंग रेशो अच्छा है काफी माशाल्लाह, अच्छी बात नहीं। और कोई सवाल जहन में, बिल्कुल करिए लेकिन आखिर में सही। और मेरा मशवरा तो ये होगा, जब स्टैंडर्ड्स हो जाएंगे ना तो आप घर पे जाके 3 घंटे के लिए दरवाजा बंद करके मोबाइल नहीं खोलेंगे, क्वेश्चन के लिए एग्जाम का टाइम 3 आवर, इसके एग्जाम्स का टाइम 3 आवर 15 मिनट्स, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम, 3 आवर्स पेपर सही। और कोई चीज सही है, कल की क्लास है 2:30 बजे और इंशाल्लाह आई स्टू स्टार्ट करेंगे सही। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। हेलो, कहाँ पे बस मैं आ रहा हूँ। Oh.